लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। सबको मेरा प्रणाम। यह है सन 1990 में मुंबई के धारावी इलाके की कहानी। यह है कृष्णराज, जो बहुत बड़ी हस्ती थे और जनता के बीच इनका काफी सम्मान था। और ये हैं इनके अजीज मित्र देशपांडे। ये दोनों एक ही राजनीति दल के नामचीन लोग थे और ये पूरा इलाका इन दोनों के दायरे में था। लेकिन किसी राजनीतिक वजह से इनकी पार्टी दो भागों में बट गई और साथ साथ इलाके के लोग भी बढ़ गए। ये पूरा इलाका जो कभी एक था, अब दो भागों में बट गया। इलाका बटते वक्त कोई समस्या नहीं हुई, लेकिन इलाके के हाउसिंग बोर्ड की ये दीवार एक बहुत बड़ी समस्या थी। दोनों दल चाहते थे कि इस दीवार में उनका विज्ञापन हो, और यही थी मतभेद की असली जड़। अगर उस दीवार पे हम अपनी तस्वीर लगा देंगे तो समझो ये पूरा इलाका हमारा है। उस दीवार को हमें अपने कब्जे में ही रखना होगा। हाँ ठीक है पिताजी, दीवार हमारे कब्जे में होनी चाहिए, नहीं तो हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। एक दिन अचानक किशनलाल दीवार पर पेंट करवाने लगे। हमें उनसे डरना नहीं चाहिए, दीवार ही सबकी जड़ है। वो सब तस्वीर बनाए जा रहे हैं और हम लोग चुपचाप बैठे हैं, हमें इसके बारे में कुछ करना ही होगा। और तो और, हम सिर्फ बातें ही करते रहेंगे या कुछ करेंगे भी? हम इतने लोग हैं, हम उन्हें सबक क्यों नहीं सिखा सकते हैं? पहले की बात कुछ और थी, लेकिन अब सब बदल चुका है। तुमने सही कहा, उस पार्टी के लोग समझते हैं कि वो अपनी मर्जी से कुछ भी करेंगे और हम उन्हें देखते रह जाएंगे। हमने हाथ में चूड़ियां नहीं पहनी, हम उन्हें रोक के दिखाएंगे। सबके बाहर निकल आए हैं क्या? कल तक तुम लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं थे, आज घर मिलते ही मुझसे उलझ रहे हो। इस दीवार पर कब्जा किसका है? मेरा है, समझे? मेरा। अगर मेरे खिलाफ किसी ने सर उठाया तो सबको पता चल जाएगा कि तुम लोगों के घर गैर कानूनी है। आप ये क्या बात कर रहे हैं? ये घर हमें सरकार ने दिए हैं, आप हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते, समझे? हम तुम्हारे लिए गैर हो गए? अब गैर नहीं है, लेकिन हमारी सोच में फर्क है और काम करने के तरीके में भी। अगर हम लोग आपके दीवार पर तस्वीर बना दें तो क्या आप लोग चुप बैठेंगे? मुझे पता है तेरे दिमाग में भरने वाला कौन है। क्यों, हम लोग अपने बारे में सोच नहीं सकते? देखिए, बातचीत करने का कोई फायदा नहीं है, ये दीवार हमारी है। अगर आप लोग हमारी बात नहीं समझे तो हमें ठीक से समझाना आता है। अपने पिताजी से जबान लड़ाने वाले आदमी की अकड़ देखकर देश पांडे का बेटा अर्जुन आग बबूला हो गया और उसने उस आदमी को मार डाला। बीच सड़क पर गंगा की लाश आवारा पड़ी थी। बहुत हंगामा हुआ, फिर पुलिस आई, लेकिन पुलिस ने हाउसिंग बोर्ड में रहने वालों को ही गिरफ्तार किया। उस पूरे इलाके में लाश उठाने के लिए एक भी मर्द आगे नहीं आया। गंगा की मौत के ठीक एक साल बाद उसकी बरसी पर देशपांडे आया और उसने देवा को भड़काया। उन्होंने गंगा को मारा है, ये याद रखना। भड़कावे में आकर देवा ने किशनलाल को उसके घर में ही घुसकर मार डाला। किशनलाल के मरने के एक ही हफ्ते में अर्जुन ने देवा और उसके पूरे खानदान को बीच सड़क पर मार डाला। फिर अर्जुन को मारने की प्लानिंग की गई, लेकिन गलती से अर्जुन का दोस्त मारा गया। उसके बाद अर्जुन के आदमी हाउसिंग बोर्ड की जनता को मारने लगे। सब एक दूसरे से बदला लेने लगे और लाशें गिरने लगी। इस दौरान अर्जुन अपने इलाके का कॉरपोरेटर बन गया। कॉरपोरेटर बनते ही उसने मदनलाल के एरिया के कुछ लोगों को पैसे खिलाकर समझौता कर लिया और बिना किसी रुकावट के उस दीवार पर अपने पिताजी की तस्वीर बना दी। अब दीवार मदन की हो गई। वही देशपांडे दीवार हाथ से निकल जाने के गम से मर गया और उसका बेटा बंसी हाउसिंग बोर्ड का चेयरमैन बन गया। चिंता मत कीजिए, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। जब ये सब बदलाव हो रहे थे तब एक अजनबी बुड्ढा उस दीवार के सामने अचानक मर गया। उसके बाद दो आदमी बाइक से उस दीवार से टकराकर मर गए। फिर एक आदमी ने उस दीवार से कूदकर आत्महत्या कर ली। इन दुर्घटनाओं से घबराए इलाके के लोग तांत्रिक के पास गए। बहुत लोगों की बलि चढ़ने वाली है, दीवार खून मांगती है, इंसान की बलि मांगती है। तांत्रिक की बातों से सब डर गए और इस दीवार को बलि मांगने वाली दीवार मानने लगे। और इस डर से लोगों ने दीवार के आगे एक मंदिर बना दिया। इससे अर्जुन को सबसे ज्यादा फायदा हुआ, क्योंकि दीवार पर उसके पिताजी की तस्वीर थी। वहीं बंसी की नजर भी इस दीवार पर थी और वो दीवार पर कब्जा करने की फिराक में था। तो पहले की ही तरह इस पीढ़ी में भी दोनों पार्टी में दुश्मनी जारी थी। ये दीवार ही सबसे बड़ी समस्या थी।
बेटा बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? कलेक्टर बनूंगा। कलेक्टर बनोगे? कलेक्टर बनकर क्या करोगे? कलेक्टर बनकर समाज सेवा करूंगा। शाबाश बेटा। चेन्नई है चेन्नई, इसके हम वासी, ये है जान अपनी, यहीं पे जड़ अपनी, ये है अपना मैट्रेस और हम है इसके एड्रेस, ये है अपना मैट्रेस और हम है इसके एड्रेस। जब सत्ता हमारे हाथ में होगी तभी हम आजाद होंगे और मैं सत्ता हासिल करके रहूंगा। पुलिस किसी से नहीं डरती लेकिन हमसे डरती है, पता है क्यों? क्योंकि हमारे पास सरकारी ताकत है। घरों से निकल कर बच्चे अपने भी एक दिन पढ़ने जाएंगे, दिल जैसे चाहेगा अपने शहर का एक दिन मजा लेंगे हम। अपना शहर है ये कण कण, इसका अपने ही खून से तो है जुड़ा, हमसे गुलामी करवाना कोई चाहेगा तो जोर शोर से आवाज उठाएंगे, सुख में दुख में गम खुशी में साथ है हम, और चाहे हो जहां भी यूं ही उड़ते रहेंगे हम, सुख में दुख में गम में खुशी में साथ है हम, और चाहे हो जहां भी यूं ही उड़ते रहेंगे हम। मैं बड़ा आदमी बनूंगा, मुझे देखते ही सब कांपेंगे, समझ में आई बात? ये है अपना मैट्रेस और हम है इसके एड्रेस, ये है अपना मैट्रेस और हम है इसके एड्रेस। फुटबॉल बॉक्सिंग कैरम बोर्ड कबड्डी सबका ही शौक हम रखते यहाँ, ढोल ताशे हम बजाके और गाना वाना गाके हम तो खुशियाँ मनाते हैं, पोस्टर पंडाल वोट शोट मांग के सबको है धोखा देना काम अपना, हम भी होंगे कामयाब एक दिन, दूर नहीं है कामयाबी अब तो, सुख में दुख में गम में खुशी में साथ है हम, लाइफ एकदम शॉर्ट है दोस्त, हर एक पल को एंजॉय कर लो, टेंशन को मार गोली और मजे कर यार। ये है अपना मैट्रेस और हम है इसके एड्रेस, चेन्नई ये है चेन्नई, इसके हम वासी, ये है जान अपनी, यही पे जड़ अपनी। बे दीवार को क्यों ताक रहा है? तेरे को और कोई काम नहीं है क्या? तीन दिन से पानी नहीं आया, सब परेशान है, जा कुछ जुगाड़ कर। अरे यार वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है, शाम तक पानी आ जाएगा। अरे तो पहले बताना। अपना मैट्रेस और हम है इसके एड्रेस, ये है अपना मैट्रेस और हम है इसके एड्रेस, ये है अपना मैट्रेस और हम है इसके एड्रेस, ये है अपना मैट्रेस और हम है इसके एड्रेस।
अरे छोड़ना यार विजय, टेंशन मत ले यार। देख पहले तूने धक्का दिया था, खेल में ये सब होता रहता है। तुम मैच हार गए, अब अगली बार जीतने की कोशिश करना। ए, मुझे पागल समझ रखा है क्या? हमसे पंगा लेगा तू? छोड़ना, जानता नहीं है क्या? भी शांत रह। अरे इसके हाथ में तलवार तो ये अभी काट डालेगा, देखे जरा कैसे काटता है। कैसे हो? अरे गर्म हो रहा है, हाथ में तलवार तो दे। बैठो मदनलाल। पिताजी कैसे? अच्छे ही है। ये सब लड़के मेरे बच्चे हैं, लेकिन आजकल बच्चे भी गला काट देते हैं, पता है? एरिया के बाहर का मैटर हो तो बात कुछ और है, लेकिन ये तो आपस का मामला है, तो क्यों ना इसे बातों से ही सुलझा दें? ऐसी कोई बात नहीं है, विजय का भी अपना एरिया है। आज पीटर का यहाँ बहुत बड़ा रुआब है, हो सकता है कल किसी और का हो जाए। जानते हो ना अपने एरिया से बहुत से लोग गायब हो चुके हैं, जरा अच्छी तरह से समझा देना इनको। भाई आप ये सब मुझ पे छोड़ दो, इसके लिए तो मैं ही काफी हूँ, चलते हैं। देख बंसी, मुझे यहाँ कोई लफड़ा नहीं चाहिए, तुम हो इसीलिए चुप हूँ। आइंदा मेरे लड़कों पर कोई भी हाथ नहीं उठाएगा, अगर तुम्हारे लड़कों ने कोई लफड़ा किया तो देख लेना बंसी, मैं किसी की नहीं सुनूंगा, समझ गए ना? ताली दोनों हाथ से बजती है, चलो रे, चलो चलो। अरे इतनी भी क्या जल्दी है, बात तो अभी खत्म नहीं और तुम जाने का नाम ले रहे? अब क्या बात करनी है, तुम हो इसलिए ये सब इतना उछलते हैं, देखना एक दिन ये तेरी ही पीठ पर छुरा घोंपेंगे और तुझे पता भी नहीं चलेगा किसने तुझे मारा। संभल कर रहना। संभल कर तू रहना, ये तेरा विजय नहीं है, ये पीटर है, मेरा राइट हैंड। सुना ना क्या कहा उसने, आइंदा पंगा मत लेना उससे। तुझे क्या राउडी बनने का शौक है? अरे पढ़ ले, अच्छी नौकरी कर, अब आइंदा ऐसा कभी मत करना, समझा? भाई मैंने कुछ नहीं किया, वो तो तू चुप रहना, भाई को बोलने दे। देख बेटा ये मजे करने की उम्र है, शादी कर, लाइफ में सेटल हो जा, बच्चे पैदा कर, और सुन एक बच्चा काफी नहीं है, दो तीन होने चाहिए। हमारे पास पैसे की ताकत नहीं है फिर भी लोग हमसे डरते हैं, पता है क्यों? हमारे पीछे बच्चों की पलटन देखकर डरते हैं, बच्चे पैदा करो। एरिया का नाम रोशन करो। पीटर यहाँ। हाँ भाई। नाराज? अरे नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं, तो उसके हाथ पर तोड़ने थे ना भाई, आपको पता नहीं है कैलाश तो गुस्से में उसे मार डालता, मेरी वजह से बच गया विजय। पीटर उनको मार कर हमें क्या मिलने वाला है, वैसे ही वो लोग MLA अर्जुन के टुकड़ों पर पलते हैं। बैठो विजय। नहीं भाई भूख नहीं है। बोला ना बैठो, माँ खाना दो। हाँ बैठो। ये बच्चा क्यों रो रहा? अरे चुप कराओ ना। इस घर में खाने के टाइम पर अक्सर ऐसा होता है। अरे विजय बैठना। नहीं भाई मैं घर से खा के आया था। बंसी क्या कह रहा था? अरे वो क्या बोलेगा, मैंने उसे लास्ट वार्निंग दी है। बंसी का सपोर्ट है इसलिए पीटर खुदक रहा है। टूथपिक लेकर आओ। अभी लाई। कितनी बार कहा है कि टूथपिक टेबल पर रखा करो। अभी लेकर आई दीदी। फुदकने दो। क्या कर रही हो? अभी तक पीटर को फुदकने दो, देखते हैं बच्चे में कितना दम है। हमें इंतजार करना होगा, अपना टाइम जो खराब है वक्त आने पर हम उन्हें दिखा देंगे। भाई उसके लिए टाइम क्या देखने का, मैं आज ही उससे निपट लेता। बच गया साला। अगर हम कोई काम करते हैं तो उसकी गूंज सुनाई देनी चाहिए, तभी तो लोग हमें पहचानेंगे। अब ऐसी छोटी छोटी बातों के लिए इस तरह से रोते रहोगे तो लोग मजाक उड़ाएंगे हमारा। चलो निकलो अभी। ठीक है भाई। विजय में कैसे घूर रहा था? अरे घूरने के अलावा और कर क्या सकता है, उसे पता है हमसे पंगा लेगा तो उसकी बैंड बच जाएगी, उसके बारे में सोचकर टेंशन मत ले यार, शांत हो जा। मैं क्या करूं यार, मुझे बहुत गुस्सा आता है, कंट्रोल ही नहीं होता। अरे जब बीवी आ जाएगी ना तो गुस्सा भी ठंडा हो जाएगा। ठंडा हो जाएगा, क्या एक्टिंग है, ऑस्कर मिलना चाहिए। चल यार मैं। अरे रुकना यार, ऐसी भी क्या जल्दी है, तुम मेरी एक्टिंग देखकर ही तो मुझ पर फिदा हुई थी, याद है? हां फिदा हुई थी, लेकिन अब पछता रही हूँ। आज बहुत ज्यादा नहीं बोल रही हो, खाना तैयार है कि नहीं? हम दोनों के लिए खाना लेकर आओ। चलो छोड़ना, मैं घर जाकर खाऊंगा यार। खाना खाकर जा, तू भी नाटक शुरू मत कर। ए, तुझे सुनाई नहीं दिया क्या, बहरी हो गई है, तुझे बोला ना खाना लगा। इससे देखा बात में तो उसको गुस्सा आ गया। छोड़ना ये तो रोज चलता है, बर्तन पटक रही है, तू पागल हो गई है क्या? मैंने जानबूझकर नहीं गिराया,
हाथ से फिसल गया। रोने लग गई। चल हंसना, हंस। अरे बेटा सुन, माँ आ गई। लड़की कैसी थी, तुझे पसंद आई? हाँ, अच्छी पढ़ी लिखी लड़की है, नौकरी करेगी तो अच्छा कमाएगी। मैं तो बस यही चाहता हूँ कि वो मेरी माँ का अच्छे से ख्याल रखे। तेरी बातों से तो लग रहा है कि रिश्ता पक्का हो जाएगा। हाँ पिताजी, पहले जो लड़कियाँ देखी उनसे तो ये काफी बेहतर लग रही है। ठीक का बेटा, काली है तो क्या हुआ, लेकिन दिखने में तो सुंदर है। अगर सुंदर है तो तुम क्यों नहीं करते उससे शादी, मेरी बेटी को क्यों फंसा रहे हो? कितनी मन्नतों के बाद हुआ है मेरा ये बेटा, उसके लिए ऐसा रिश्ता? बड़ा ही होशियार है मेरा लाडला, उसके जैसा यहाँ कोई भी नहीं है। कोई है बोलो, कोई है? उसके लिए महारानी जैसी लड़की ढूंढकर मैं लाऊंगी, तुम सब लोग देखते रह जाओगे। हाँ मुझे भी तो एक सुंदर सी राजकुमारी चाहिए, उसमें गलत क्या है? इसकी आंखें तो देखो थोड़ी तिरछी लगती है ना। इसकी नाक तो बड़ी ही अजीब है, देखो तो कितना मेकअप किया है। क्या बहुत भोली है, इससे कौन शादी करेगा, ये तो मेरे बेटे से बड़ी है। छे, वो कमियां ही ढूंढती है। पिछले हफ्ते हमने एक लड़की देखी तो पता है माँ ने क्या कहा? क्या हुआ, बहुत हंसी आ रही है? खुद को तो कुछ करना है नहीं, बस बैठे रहना है। अब तू ही बता, हंसी में भी भला सुरतल होता है। अबे पहले लव कर, शादी कर, यही तेरे लिए बेस्ट है। हम उस दिन मिले थे। तुम ना पागल हो, पागल। मुझे तो लड़कियों से बात करना भी नहीं आता, लव कैसे करूंगा? अब तो एक ही रास्ता है, बस माँ पर भरोसा रखो और इंतजार करो। ए, क्या बकवास कर रही हो, पता है वो कितनी अच्छी लड़की है? किसकी बात कर रहे हो, शक्ल देखिए बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं है, ऊपर से इकलौती बेटी है। हाँ, इकलौती है तो उससे तुझे क्या? कल को मेरे बेटे की शादी होगी, उसके बच्चे होंगे, फिर उसके नामकरण में, जन्मदिन में उसकी माँ की तरफ से कोई आना नहीं चाहिए क्या? माँ, कमी ढूंढ ढूंढ कर निकाला तुम्हारा काम है क्या? अच्छी लड़की देखकर तुम अपने बेटे की शादी क्यों नहीं करवाती? अगर तुम ऐसे ही कमियां ढूंढती रही ना तो तेरा बेटा सन्यासी बन जाएगा। तो बन जाओ, मुझे धमकी दे रहे हो, कौन रोक रहा है तुम्हें? हाँ, एक कार दे नहीं सकते और रिश्ता जोड़ना है। सुना तेरी माँ क्या बोल रही है, रिश्ता जोड़ने के लिए इसे कार चाहिए? सुनो, मेरा दिमाग खराब मत करो, इतना पढ़ा है लिखा है मेरे बेटे को, क्या लड़की वालों से कार और बाइक नहीं मांग सकते? वो लोग तो कुछ भी देने की बात ही नहीं कर रहे थे, नहीं करना वहाँ रिश्ता। ऐसा करोगी तो शादी कैसे होगी? मैं तुमसे सच कह रहा हूँ, जब तक तुम हो ना मेरी शादी नहीं होने वाली। देख लिया मैंने, मेरे मरने की बातें कर रहे हो, तो फिर मार क्यों नहीं डालते मुझे? मैं अपने बेटे की भलाई भी नहीं सोच सकती, कितनी मन्नतों के बाद हुआ है तू? ऐसा तो क्या गलत बोल दिया मैंने, क्या वो कार मैं अपने लिए मांग रही हूँ? बैठ के तो तुम ही जाओगे ना उसमें? ये सारी तुम्हारी गलती है, देखना एक दिन ये लड़की को लेके भाग जाएगा, तब क्या करोगी? हाँ हाँ, मैं भी देखती हूँ, इसके हाथ पैर तोड़ के रख दूंगी मैं। अरे मेरे पान के पैसे तो देना, सबसे पहले तुम्हें ही मारूंगा। ये भी तेरी वजह से हुआ है, मुझे पैसे भी नहीं देके गया। अब आप शुरू मत हो जाइए। हे गुड मॉर्निंग, शादी को चाय पीना है। Give me ₹10 please. Hey, John Johnny, ऐसा ऐसा नहीं मिलेगा। अच्छा? और चाहिए तो वो बोल। अंधेरे में रहने वाला जानवर है वो। अच्छा अच्छा, क्या बात है, क्या बात है, आगे बोल। अच्छा ये तो बता क्या कलर है? काला कलर है। Okay, work done, boss. अगर उसे ग्रीन पैरेट डार्क में मिला तो सब बिजली हो जाएगी। बीबी का मतलब हिंदी में समझाओ, वो तोता अंधेरे में रहता है ना, जिधर से तोता उड़ता है उधर सांप है, समझ जाओ कि क्या होगा, बैंड बजाएगी और क्या। चलता हूँ। ठीक है, समझा क्या? तुम लोग अभी इसका मजाक उड़ा रहे हो ना, जानते हो एक टाइम था जब सब इससे डरते थे, छोटी गन रखता था, बिना सोचे समझे बिंदास फायर करता था, पुलिस वालों की मार खाकर यह हालत हो गई। अंग्रेजी ऐसी बोलता है जैसे यहाँ कोई नहीं बोल सकता, इसलिए इससे संभल कर रहना। पीटर भाई देखो ना कैलाश को क्या हो गया है। अबे क्या हुआ, जो हुआ उसे भूल जाना ना यार, दिमाग खराब है। भाई मेरी मान ले, जल्दी से शादी कर ले, अगर यूं ही उम्र बढ़ती गई तो दादा बन जाएगा तू। ए, काना दिमाग खराब है। ए, लगता है किसी की याद आ रही है। ए, बंटा ये बता, जिधर तू काम करता है वहाँ की कोई लड़की पसंद नहीं आई तुझे? वहाँ की बात और है, वहाँ कोई ढंग की लड़की नहीं है, वरना अब तक कितनी होती क्या पता। ये कैलाश, अरे देख तो क्या लड़की है। कैलाश, अबे ये लड़की वही तो नहीं है यार? अपने एरिया में बहुत से मजनू है जो इसे सेट करने में लगे हुए हैं, किसी से नहीं पटी। मस्त आइटम है बॉस। ये रोज पानी भरने आती है कैलाश, क्या मस्त है, क्या आगे बढ़ रहा है? ए, ठीक तो है बे, क्या खराबी है? अरे ठीक ठाक लड़की तो है, इतनी ज्यादा तारीफ क्यों कर रहे हो? हाँ भाई, तू तो ऐसा ही बोलेगा ना, तेरी सेवा करने के लिए तेरे पास बीवी है, इसलिए तुझे कोई पसंद नहीं आएगी। अच्छा अच्छा, सुंदर है, तुझे पसंद है क्या? सुंदर तो है, तो मैं क्या करूँ, जाकर उससे शादी करूँ?
छोड़ना है। लेकिन वो विजय की एरिया में रहती है। अबे उससे अपने को क्या, हम शादी की बात कर रहे हैं। हेलो, ओ मैडम, अरे सुनो ना मैडम, ये हमारा दोस्त कैलाश है, ये तुमसे बहुत प्यार करता है, जिद कर रहा है कि तुमसे शादी करेगा। अरे सुनो मैडम, अरे अपनी जान दे देगा नहीं तो। मत खराब हो गया यार, हम तो ऐसे ही मजाक कर रहे थे। अरे ये तो पूरा मान गया तू तो यार, अरे रुक। चलो उठो, जाकर नहाने के लिए पानी भर के लाओ। सुबह सुबह काम पर लगा देती हो। हाँ, रोज रोज का नाटक हो गया, एक काम बोलो तो होता नहीं है ढंग से। सबके नाटक बढ़ गए हैं, रोज मुझे ही काम करना पड़ता है। एक काम कहो तो 10 बार बोलो, तब जाकर होता है इस घर में। अगर शादी करवा देती तो मेरी बीवी पानी भरती। हाँ, जब शादी होगी देखा जाएगा, देखती हूँ क्या करती है। अरे चलना घूमने चलते। नहीं कैलाश, जाना सुबह सुबह। कुछ नहीं, अपन पे जलता है। हुआ कि नहीं दीदी, मुझे लेट हो रहा है दीदी, बस एक कल से भर दे। हटो, कब से खड़े हैं यहाँ पे लोग, जल्दी है तो टाइम पे आना चाहिए था ना, हमें भी घर में काम काज होता है। अब रुको थोड़ी देर, मुझे थोड़ा लेट हो रहा है, जल्दी से भरो। माँ बिना इसकी शादी नहीं करवा रही। बेचारा लड़का कितना काम कर रहा है। अरे ये बेचारा क्या करेगा, इसकी माँ को तो महारानी जैसी बहू चाहिए। हाँ, सही कहा। जानी, तेरी को देखा, क्यूट, स्मार्ट, स्मार्ट, क्यूट, ब्यूटीफुल। लेकिन एक लड़के के साथ जा रही थी। Who is that boy? उसका बॉयफ्रेंड है क्या? You worry not, this Johnny will handle him. क्या बात है, आज ऑफिस जल्दी जा रहे हो? जाऊंगा तो मैनेजर नाराज हो जाता है। अबे मैनेजर नाराज होता है या तेरी? तू मुझे बताएगा नहीं तो मुझे पता नहीं चलेगा क्या? सुबह सुबह जल्दी उठकर पानी भरने के लिए जाता है, और तो और बाइक से उसका पीछा भी करता है। बढ़िया है भाई। आजकल बहुत फुदक रहा है। क्या मतलब? लगता है तेरे से वो लड़की पट जाएगी? वो लड़की मेरे को भी बहुत लुक देती है, दूर रहना उसे ठीक नहीं होगा। मेरी बात कान खोल के सुन ले, उस लड़की को हमेशा के लिए भूल जा। ए चलो रे। तुम बैठो, बाइक चलाते समय ध्यान कहीं और था। तुम्हारा दीवार के सामने एक्सीडेंट हो गया। ऑटो वाला गलत साइड से आ रहा था। लगता है अभी भी दीवार बलि मांग रही है। अच्छा हुआ तुम बच गए, तांत्रिक के पास जाकर तावीज बनवा। उसकी कोई जरूरत नहीं, जब खुद पर बीतेगी ना तब समझ आएगा कैलाश। दीवार बहुत खतरनाक है, पता नहीं वो दीवार और कितने लोगों की जान लेगी। जो का देखा जाएगा। अगर टैंकर आता तो पानी की दिक्कत नहीं होती। हमारे लिए टैंकर क्यों आने लगा? ज्यादा चोट लगी? मैंने पूछा ज्यादा चोट लगी, डॉक्टर को दिखाया? नहीं, हल्की सी चोट आई है। मैंने आपको गिरते हुए देखा था, संभाल कर चलाना चाहिए ना। सॉरी, मेरे दोस्तों ने हम दोनों का मजाक बना दिया। मैंने आपके बारे में ऐसा नहीं सोचा, मैं सच कह रहा हूँ। तो क्या वो सब झूठ कह रहे थे? अच्छा बताओ, मेरे हीरो की फिल्म हिट हुई या पिट गई?
सुपर फ्लॉप थी। ए झूठ मत बोलो, फिल्म सुपर हिट हुई है। तुझे कैसे पता? मैं कह रही हूँ ना, मेरे हीरो की फिल्म हमेशा हिट होती है। अच्छा चल मान लिया हिट हुई, तेरा हीरो आकर हमें खाना खिलाने वाला है क्या? क्या? तुम्हारे होते हुए वो क्यों हमें खिलाएगा? देखो मेरा हीरो क्या सुपर दिखता है। ए, ये क्या कर रही है? मेरे हीरो को पप्पी दे रही हूँ। अच्छा उसे पप्पी दे रही है, तेरा हीरो इधर है और तेरा ध्यान किधर है रे? जरा भी खबर है? खबर तो है, पर तुम पर कोई असर कहाँ है? हीरो को पप्पी देगी? क्या बोल रही है? क्या विलन बन रहे हो? हीरो को पप्पी देगी? घर पे ही है। मैं मर गया हूँ क्या? नहीं। बेटा घर पर है तो मैं विलन बनता हूँ ना। क्या कर रहे हो? नहीं। कौन की आवाज? लगता है कैलाश आ गया। मैं सोनी की एक्टिंग करता हूँ, मुझे उठाना मत। अच्छा क्यों रे, आज स्कूल क्यों नहीं गया? आज छुट्टी है। छुट्टी है? किस बात की छुट्टी? छुट्टी नहीं है। ला दिखा क्या पढ़ रहा है? स्कूल की फीस नहीं भरी। पार्टी के पोस्टर लगवाने के लिए तो तुरंत पैसे मिल जाते हैं, लेकिन फीस के लिए नहीं मिलते। पीटर अभी तक क्यों सो रहा है? काम पर नहीं जाना है क्या? ये रात भर काम कर रहे थे, सुबह ही लौटे हैं और आते ही सो गए। तू देख रहा है ना, तेरे बाप को फीस की चिंता नहीं है, आराम से सो रहा है। पापा थोड़ी ना सो रहे हैं, वो तो मम्मी को पप्पी दे रहे थे। रॉनी अपना मुंह बंद नहीं कर सकते। बेटे ने सच बता दिया। ए, क्यों? अरे सुबह सुबह क्या कर रहा है यार? अरे इन सब के लिए सुबह और शाम क्या देखने बोलता? अरे सुबह सुबह तू हड्डी मत तोड़ यार। हे पीटर, वो लड़की है ना, उसने मुझसे बात की। कौन सी लड़की कैलाश? क्या बात की? अपनी पार्टी की लड़की। वो खजरी, क्या कहा उसने? अरे मैं दीवार के सामने गिर गया ना, तो पहले उसने उसके बारे में पूछा, मुझे तो शॉक लग गया। फिर मैंने अपने दोस्तों की तरफ से सॉरी बोला। हाँ। और पता है क्या बोली? तो वो सच नहीं है क्या? अब इसका क्या मतलब हुआ? उसने ऐसा कहा, तब तो समझो वो तुम्हें लाइक करती है। तुझे क्या लगता है, वो लव करती है ना? मैं तुझे एम्पायर दिख रहा हूँ क्या? वो लव करती है, वरना ऐसा क्यों पूछेगी? मुझे डर लग रहा है यार। डर? किस बात का डर लग रहा है? कैलाश तुम तो बहुत ही डरपोक हो, तुम एक लड़की से भी बात नहीं कर सकते। पता है मुझे स्लंगूर को देखते ही प्यार हो गया था। मैं तो बस इंतजार कर रही थी ये कब आकर मुझे आई लव यू बोलेगा। जैसे इसने आई लव यू बोला, मैंने तुरंत हाँ कर दी और हमारी हाँ। शादी हो गई। समझा? ठीक है मैं चलता हूँ। कैलाश जल्दबाजी में कोई फैसला मत करना, पहले सोचना समझना फिर हाँ या ना का फैसला करना। समझा क्या बोला मैंने? ठीक है चलता हूँ। तुमने उसे डराया क्यों? ए, मैंने कहाँ डराया उसे, उसे सोच कर समझ कर फैसला करने देना डार्लिंग। तुम फिर से शुरू। रॉनी के लिए छोटी बहन चाहिए ना? नहीं। अच्छा सुन पीटर, अब सॉरी यार, सुनना बोलना। मैंने फैसला कर लिया, मैं खजरी से लव करता हूँ और उसी से शादी करूंगा। कैरी ऑन। आसमान में सूरज है चांद है, लेकिन आज दोनों नहीं है। आज आसमान में सिर्फ मेरी कजरी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सुपर। एक और है, सुनाओ क्या? पेड़ की डाल पर तोता है और मैना है, लेकिन आज सिर्फ मेरी कजरी है। क्या बात है, लड़की मिली है और मेरा शेर गालिब बन गया। धरती पर कुत्ता है बिल्ली है, लेकिन आज इस चुपचाप सुनता है कि नहीं? चुप बैठा, बंटा है, एक और बोलना। बोलता हूँ ना, जब मैं कजरी को देखने के लिए हैंडपंप के पास इंतजार कर रहा था, पता है फिल्म में जैसे अप्सरा आती है वैसे वो आई। क्या दिख रही थी यार, और पानी भरने के बाद उसने मुझे खतरनाक लुक दिया। वाह, क्या बताऊं मैं उस फीलिंग को कब तक दबा के रखूं? कैलाश कजरी बहुत डेंजर है, जो भी लड़का उसे पटाने की कोशिश करता है ना, वो तो समझो गया काम से। मुंह तोड़ दूंगी। ए कजरी, क्या है बे? अरे कुछ नहीं बहन जी। तू क्या है? कभी तो आरती ले लिया करो। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पीने के लिए पानी दो। भाई कजरी को पटाने में बहुत सारे लोग लगे हुए हैं, टेलर गणेश, सुपरवाइजर मोहन और हाँ विजय के घर का वो गीतकार रमेश, बॉस लाइन में बहुत सारे लोग हैं। कितने लोग तेरे पीछे लगे हैं, तू इरिटेट नहीं होती? जिन्हें मैं अच्छी लगती हूँ वो मुझे देखते हैं, दे हैव फ्रीडम, पर जब मैं उन्हें देखती हूँ तो अपनी नजरें झुका लेते हैं।
जब तक मुझे डिस्टर्ब नहीं करते इट्स ओके। लड़की की तरफ से ओके तो हम किसी से भी निपट लेंगे। सबसे पहले कजरी के पीछे घूमने वाले लड़के की हम बैंड बजा देंगे। चल निकल यहाँ से, चल चल बिड़ो। अब तेरा रास्ता साफ, कजरी तुम्हें पसंद करती है, अब तुम उसकी पसंद को प्यार में बदल दो। अब उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या है? फील्ड वर्क। अच्छा, फील्ड वर्क का मतलब नहीं समझे? तुम चाहे जितने भी बिजी रहो लेकिन तुम्हारा सबसे पहला काम है कि कजरी का पीछा करना। कजरी जहाँ भी जाए उसका पीछा जरूर करना। हमारे बीच एक गद्दार है जिसे हम जानते नहीं है, हो सकता है वो इस वक्त हमारे बीच में हो और हो सकता है नीली शर्ट पहने हो। हमें उस गद्दार को पकड़ के यहाँ से दूर करना। हेलो, हाय, कैसी हो तुम? हेलो 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 हेलो। ओ ओ ओ छोकरी, तू जिसे कह रही हूँ ये बेचारा लड़का सुबह से तेरा इंतजार कर रहा है। ए लड़के, जल्दी से जगह खाली कर, सुबह से धंधा नहीं हुआ। पहले तुम्हें खाली करवाऊंगा। कहाँ कहाँ से चले आते हैं? ए, क्या तुम कैलाश से प्यार करती हो? हा? क्या तुझे पूरे इलाके में वही मिला था? मुझ में कोई कमी है क्या? अपने आप को हूर परी समझती है क्या? आइंदा से उससे मिलने की जरूरत नहीं है, अब निकल। विजय तुम्हें दिल से चाहता है। चल तो जा रही था। बाइस को जाने क्यों दिया? ए, टेंशन क्यों ले रही है? वो तो पागल है। तू अपने आप को समझता क्या है? क्या रिश्ता है तेरा मेरे साथ? तू बहुत बड़ा रावड़ी है क्या? जो भी लड़का मेरा पीछा करेगा तू बड़ा हीरो बनके उन्हें मारेगा? और आई लव यू की अफवाह क्यों फैला रहा है? क्या मैंने तुझसे कभी कहा कि आई लव यू? उस दिन तो बड़ी सफाई दे रहा था कि मैं ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ। पता है मेरी कितनी बेइज्जती होती है? मैं जहाँ कहीं भी जाती हूँ लोग मुझे तेरे नाम से चिढ़ाते हैं। कल विजय ने मुझे कितना डांटा, क्यों मुझे परेशान कर रहा है? मेरे पीछे पड़ने से मैं तुझसे प्यार नहीं करने वाली। मैं तुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती, समझा? आइंदा मेरा पीछा मत करना। हेलो, ये क्या हो गया? वो तो चली गई यार। क्या बिड़ू, लगता है तेरी सेट हो गई। चल अभी पार्टी दे। तुम लोग खेलो, मैं अभी आया। क्या हुआ कैलाश, उदास लग रहा है? नहीं तो, मैं उदास नहीं हूँ। ए, तूने दारू पी है? ए, सुनो, इसने दारू पी है। क्या कर रहा है? ए, तूने दारू पी है? हुक, हुक ना। अबे, सुनो, इसने बहुत पी रखी है, इसके मुंह से बांस आ रही है। क्यों पी तूने? क्या रे, अकेले ही पी ली तूने? हमें भूल गया तू? अबे, ऐसा मत बोल रहे। ए कैलाश, ए अचानक किसे क्या हो गया? कैलाश क्यों रो रहा है? वो कजरी मुझसे प्यार नहीं करती, आज उसने मुझे साफ साफ बता दिया। मेरा उसको देखना, उसका पीछा करना उसे बिल्कुल पसंद नहीं है। अबे यार। सुन कैलाश, शुरुआत में सभी लड़कियां ऐसा ही कहती हैं, बाद में देखना वो कजरी खुद आकर तुझसे कहेगी आई लव यू। नहीं ना दोस्त, वो ऐसा कभी नहीं कहेगी, बताए मुझे। अरे तुझे कैसे पता? पता है मुझे, जब वो मुझसे बात कर रही थी तब कितने सारे बच्चे थे वहाँ पर, सबके सामने शर्मिंदा किया। शांत हो जा यार। अब मैं जिंदा रहना नहीं चाहता हूँ, मैं मर जाना चाहता हूँ। अरे बेवकूफ है क्या? ठीक है, जा जाके मर जा। ठीक है तो मैं मरने जा रहा हूँ। ए, ए कैलाश, अरे सुन मेरी बात तो सुन। अरे पकड़ो इसे। अरे ये ना, छोड़ो मुझे, मरने दो, मेरी बात सुन। पागल हो गया क्या? क्या धुएं कान के नीचे? मार दो मुझे। उसने खुद आकर मुझसे बात की तो मैं उसे क्यों नहीं मानू? पहले तो वो मुझे देखकर मुस्कुराती थी, हंसती थी। एक बात बता यार, तूने भी तो बोला था कि वो मुझसे प्यार करती है। हाँ कहा था। तो क्या वो सच नहीं है? अरे, कहती है मैं राउडी हूँ, टपोरी, वो मुझसे प्यार नहीं करती। यार क्या बच्चों की तरह हरकत कर रहा है, देख सब लोग देख रहे हैं तुझे। कौन है वो माँ का लाडला? अरे कोई लाडला नहीं है यार, शांत हो जा। अरे मुझे, ए भाग यहाँ से। क्या कर रहा है तू? सीधा खड़ा रहे। अरे खाने पीने के वांदे हैं और तू मटन चिकन खा रहा है, तेरी तो। अरे क्या कैलाश, क्या कर रहा है? जाओ जाओ, सॉरी भाई, जाओ जाओ। हाँ जाओ जाओ जाओ,
अरे कोई तो घर पहुंचा दो इसे। तू मेरा सच्चा दोस्त है। हाँ तेरा सच्चा दोस्त, चल घर चल। सच्चा दोस्त, मेरे सच्चे दोस्त का बेटा ही मेरा दामाद बनेगा। हाँ। कसम से मेरे दिल की तमन्ना, मेरी बेटी की शादी तेरे बेटे से होगी। हाँ, ठीक ठीक है, चल घर चल। अरे अब क्यों रुक गया, क्या हुआ? लेकिन वो मुझे पसंद नहीं करती यार, मेरी शादी होगी तभी तो मेरी बेटी होगी ना। मैं अपनी बेटी से कभी नहीं मिल पाऊंगा। सुनना भाई, काई के लिए उदास होता है? मैं हूँ ना, मैं तेरे लिए कोई ना कोई लड़की सेट करूंगा, समझा ना। बेटा थोड़ा और दूं क्या? अरे पूछ कर ये दे ना। दे रही हूँ, आप बीच में मत बोलिए। तेरे पिताजी ने वो लड़की दिखाई, मुझे अच्छी लगी, मैं उससे बात करूंगी। तुझे तो पसंद है ना? माँ मुझे खाना खाने दो ना, बाद में बात करेंगे। कैसे चुप बैठू? उसके लिए खुदकुशी करने जा रहा था ना तू? अपने माँ बाप का जरा भी ख्याल नहीं आया तुझे? कितनी मन्नतों के बाद हुआ है तू? रात भर एक पल के लिए सो नहीं पाई हूँ। मेरा प्यारा बेटा शराब पीना क्यों नहीं छोड़ देता? अरे खाना खाते वक्त बोलना जरूरी है। ये सब आपकी वजह से हो रहा है, आप ही ने बिगाड़ा है उसे। अपना मुंह बंद रखिए। देख बेटा, अगर तू ऐसी हरकतें करेगा तो तेरी माँ को अच्छा लगेगा क्या? देख अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं भी अपनी जान दे दूंगी। बेटा तू जरा भी फिक्र मत कर, तुझे जरूर अप्सरा मिलेगी। उस लड़की की हिम्मत कैसे हुई जो तुझे ना कह दिया उसने? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। Na 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 na
रख लो सबको दे रहे हैं। नहीं 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 अभी तो सिर्फ जेब में हाथ डाले। अरे लो मैं देता हूँ लो चलो बस हो गया। You give, I'm happy. Bhai dance. अरे हाँ ठीक है हो गया। चलो भाई happy happy। पीटर। अरे भाई ये किस लिए? इलेक्शन के लिए। इधर आ। वोटिंग की तारीख पक्की हो गई और वो है 3 मार्च। पूरा जोर लगाना है, जान लगा कर काम करो। देख ये इलेक्शन हमें किसी भी हालत में जीतना है, डरना तो बिल्कुल भी नहीं, समझा? सुन ये पूरा इलाका हमारा है और जीत भी हमारी होगी, ध्यान रख। भाई देखो हम सब पूरी तैयारी में है, चिंता मत करो, ये इलाका अब हमारा ही है। बात को समझ पीटर, अगर कल उस दीवार के सामने मीटिंग होती है तो दुनिया ये कहेगी कि दीवार तो इनकी ही है। ऑपोजिशन वाले बहुत अकड़ में रहते हैं और उन्हें पता नहीं कि हम क्या कर सकते हैं। डरना बिल्कुल नहीं, अब उन्हें डराने का टाइम आ गया है और ये काम सिर्फ अपनी पार्टी कर सकती है। अरे जरूर डरेंगे भाई, ये काम तुम मुझ पर छोड़ दो। एक ही काम बाकी रह गया है, ये दीवार का। क्या इसके लिए भी वंशी भाई नहीं आएंगे? प्रॉब्लम क्या है, उसे डर लगता है क्या? अरे कैसी बात कर रहे हो, क्यों नहीं डरेगा? दीवार ने कहीं उसकी बलि ले ली तो? तुम्हारा एक्सीडेंट भी तो उधर ही हुआ था ना, इसमें कुछ तो जरूर लफड़ा है। क्या कुछ भी बोलता है, ऑटो वाले की गलती थी। 2 बाइक वाले दीवार से टकरा कर मरे थे, फॉल्ट उनसे। गाड़ी इतनी जोर से जाकर दीवार पर टकराई, सबको लगा गलती दीवार की है। मरने वाला तो कहीं भी मर सकता है, वो दोनों सीधे दीवार से ही क्यों टकराए? अबे जा बे। सुन, वहां मरने की वजह कुछ और है, हमें वो वजह जानने की कोशिश करनी चाहिए, उसके बारे में सोचना चाहिए। हम दीवार से डरते हैं। हे हे, ये सिर्फ मनगढ़ंत कहानियां और कुछ नहीं, दीवार को कोई छुएगा नहीं। मरने का डर जो है अबे ये सिर्फ राजनीति है, ताकि उस पे कोई कब्जा ना कर ले। अगर दीवार पर कब्जा कर लिया तो क्या वो लोग शांत हो जाएंगे? दीवार सिर्फ एक बहाना है, मैं तो कहता हूँ सब मिलकर दीवार को पेंट कर देते हैं, यही सही रहेगा। ये प्रॉब्लम कब से शुरू है, आज भी है और कल भी रहेगी। इसकी जड़ अर्जुन है ना, तो चलना उसी से भिड़ जाते हैं। बात करता है। वैसे पूरी दुनिया में एक आम दीवार के लिए कोई लड़ाई करता है तो वो है हम लोग। hey! ये कोई आम दीवार नहीं है, याद करो ये झगड़ा गंगा भैया की मौत से शुरू हुआ, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने किशन लाल के खिलाफ आवाज उठाई। उनकी हत्या दिन दहाड़े की गई थी, वो लोग बड़े लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, फिर भी दीवार पर कब्जा करके क्यों बैठे हैं? समस्या दीवार नहीं है, उन्हें सत्ता चाहिए और वो चाहते हैं कि उनके खिलाफ कोई ना जाए। इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि हम लोग चुप बैठेंगे। तुम जानते हो कितने लोग इस दीवार की वजह से मरे हैं और अभी तक दीवार पर किशन लाल की तस्वीर है। कहते हैं दीवार को छूने से लोग मरते हैं, देखता हूँ कैसे मरते हैं। ये मत सोचना कि मैं ये काम बंसी भाई के लिए कर रहा हूँ, इधर जितने लोग मरे उनके खून का जवाब हमें देना होगा। ये काम हम नहीं तो और कौन करेगा? लगता है ये बकवास कर रहा है, चलो निकलो यहाँ से। चल दोस्त, आजा। मैं निकलता हूँ। तुम्हारी बात तो ठीक है दोस्त, लेकिन ये सब तो कई सालों से चल रहा है और चुटकी बजाते ये सब खत्म नहीं होगा। एक छोटा लड़का उस दीवार से गिरा और कितना बड़ा हंगामा हुआ था पता है ना? मैं तो कहता हूँ रहने दो। ए, तुम लोग डर रहे हो क्या? बच्चे तू आगे बढ़, कोई साथ देना दे मैं तेरे साथ हूँ। पक्का ना? अरे आगे बढ़ना यार, जो होगा देखा जाएगा, चलते हैं। काम किया तुमने पीटर, शाबाश।
बॉम्बे आ गया, पंगा मत लेना। वेलकम, दिस प्लेस इज आवर्स। पीटर, कौन है? वो मदन लाल आए हैं, तुमसे दीवार के बारे में बात करना चाहते हैं। राघव के घर के पास वेट कर रहे हैं। और कौन कौन आए हैं? विजय, रमेश और चार लोग और हैं। ठीक है, तुम जाओ, मैं आता हूँ। अच्छा ठीक है। क्या हुआ, क्यों बुला रहे हैं? पता नहीं, जाकर देखता हूँ। मत जाओ ना, और प्लीज किसी के साथ मारपीट मत करना। अरे मारपीट नहीं होगी, वो सिर्फ बात करना चाहते हैं। खाम खा डरती रहती है, मुझे डर लग रहा है, प्लीज मत जाओ। चुप कर, जाते वक्त टोकते नहीं है। मदन लाल ने पीटर को राघव के घर के पास बुलाया, तू जल्दी आ। ठीक है, आता हूँ। अच्छी तरह से समझा दिया मैंने उनको। नमस्ते। 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 तूने सबको बोल दिया ना? नमस्ते। और बताओ पीटर, कैसे हो? बहुत बिजी दिख रहे हो। ऐसी कोई बात नहीं है भाई, थोड़ा पोस्टर का काम चल रहा है। भाई मैंने कहा था ना, पीटर अपना ही आदमी है, उसने गलती से किया होगा। पीटर देखो, मैं तुमसे खुद बात करने वाला था। भाई कह रहे हैं वो दीवार हमारी है। तुम्हारी दीवार? दीवार तुम्हारी नहीं, हमारी है। देखो पीटर, इधर की सारी दीवारें तुम्हारी है। मैंने कब मना किया है? मैंने तो किसी पे पोस्टर भी नहीं चिपकाया। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि वो दीवार हमारी है, उससे तुम दूर ही रहो तो अच्छा है। सुन बे, इतने सालों से दीवार तुम्हारी थी, लेकिन इस साल से इस दीवार पर हम लिखेंगे। अगले साल नहीं नहीं, अब ये दीवार हमारी ही है। क्या पीटर, छोटे बच्चों जैसी बातें करता है। जाना बुजुर्गों से बात करना। चुप हो जा। मैं बात कर रहा हूँ, सब शांत। चुप कर, मैं बात कर रहा हूँ, मैं सुलझा दूंगा। ये लफड़ा करने आए क्या? नहीं नहीं, सिर्फ बात करने के लिए आए हैं। ए सब शांत हो जाओ। जॉनी तू भी चुप रहे। ए कौन है ये? ए मैं तेरा बाबू, नाम है शहंशाह, समझा क्या? ए गटर का कीड़े, तुझे मसल के रखूंगा। ए आई एम गटर का कीड़ा, तू तो न्यू एमसी महाचोर। ए अपने में अभी भी बहुत ताकत है, समझा? चुप रहा, चुप नहीं रह जाता। अब अगर वो खोला ना, चल निकल। जॉनी तू जा ना, डोंट टच। आई एम गोइंग। सुन लो, बेकार का लफड़ा नहीं चाहिए। ये दीवार हमारी है। तुम्हारी नहीं है। ए बकवास बंद कर, ये दीवार हमारी है। ये दीवार हमारी है, तुझे क्या अलग से समझाऊं? इस पर मेरे दादा की तस्वीर है। तो क्या हुआ, तेरी दादी की भी बनवा देंगे? यहाँ बात कर रहे हैं और तू मजाक कर रहा है। चल तू चुप, चुप रहने का टाइम गया, बहुत हो गया, निकल यहाँ से। अरे शांत हो जा। देख भाई, पुराना यहाँ लफड़ा नहीं चाहिए, ये इलाका हमारा है और दीवार भी। क्या विजय, चुप क्यों बैठा है? तेरे को इधर इसलिए लाया था क्या? जरा शांत रहो ना, इस एरिया के लीडर ने तो बोल दिया ना, इस दीवार पर उनका हक है। एक बार दीवार को हाथ तो लगाओ, उसी दीवार में चुनवा देंगे तुमको। मैंने पहले ही कहा था, इसको खलास कर देना चाहिए था, लेकिन अपनी सुनता कौन है। ए, चल रहे। पीटर, ये बड़े घर का मैटर है। कौन से बड़े घर का मैटर है? जाकर उनसे कह दो पीटर ये दीवार नहीं देगा, जो उखाड़ना है आकर उखाड़ ले। भाई इससे क्या बात कर रहे हो, ये एक बार दीवार छूकर तो दिखाए। समझता नहीं है तू, उसे बोलना। अरे चुप रहना। ए पीटर, इसने हाथ क्यों उठाया? तो तुम दीवार से दूर रहोगे या नहीं? दीवार नहीं देंगे। ए चलो यहाँ से। हम यहाँ बात करने आए थे, तुमने लफड़ा कर लिया। वो कुछ ज्यादा ही बोल रहा था, क्या करूँ मैं? हमारे एरिया में आके हमसे पंगा लेंगे क्या? लफड़े में कुछ नहीं रखा है, काहे को लफड़ा करने का? अब यार इसका हाथ उठाना, तेरा दिमाग खराब है क्या? बात कर रहे हैं, तुझे हाथ उठाने की क्या जरूरत है? क्या वो कुछ भी बोलेंगे और हम उनकी बात सुनते रहेंगे, यही कह रहा है वो? कहेंगे हम शांति से बात कर रहे थे, उसने हाथ उठाया। दिमाग मत हटा। इसे हाथ उठाने की क्या जरूरत थी? हो क्या? कैलाश संभल कर जाना, घर पर ही रहना। पीटर तुमने उसे क्यों डांटा? अरे कोई उसे समझाओ यार कि ये कोई आम मैटर नहीं है। अच्छा खासा बात कर रहे थे, हाथ उठा दिया। ए रुक, उसे क्यों मारा तूने? वो लफंगा तुझे ढूंढ रहा है, उस दीवार के चक्कर में तुझे क्यों पड़ना था? देख आइंदा से ऐसी हरकतें की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कितने मन्नतों के बाद हुआ है तू? चुप करो, जब देखो शुरू हो जाती हो। उसने पीटर से बदतमीजी की, मैं चुपचाप देखता रहता, मैं उसके हाथ पैर तोड़ देता। कोई मार पीट मत करना, ऑफिस जा रहा है, ऑफिस से सीधे घर आना। मेरी कोई बात नहीं सुनता। हेलो हेलो, तेरी मौत तो मेरे हाथों से ही होगी। Thank you.
हेलो 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 ए, उसे क्या चाहिए? बुला उसे, बात करते। मैंने और विजय ने उससे बात की। उस पीटर के बच्चे को उठा लो, फिर उसे समझाएं। ठीक है, इसका टाइम जल्दी आने वाला है। मजाक लगा रखा है। हेलो हेलो, मजाक सूझ रहा है क्या? मेरे हाथ लग गया ना तो। ए, अब शांत हो जा, कल उससे बात करेंगे। हेलो, कौन चाहिए तुम्हें? मैं कजरी बोल रही हूँ, मुझे भूल गया, फोन में क्यों चिल्ला रहा है? एक बार मैंने क्या डांट दिया, तूने तो मेरी तरफ देखना ही बंद कर दिया। मतलब मेरे पीछे चक्कर काटने के बाद छूट थी। पता है मैं रोज तेरा इंतजार करती हूँ, पर तुझे तो मेरी बिल्कुल फिक्र ही नहीं है। तुझे देखने के लिए मैं कितने दिनों से तड़प रही हूँ और तू मुझे भूल कर मजे से सो रहा है। मैं तेरे लिए हैंडपंप के पास इंतजार कर रही हूँ, जल्दी आ। मैं इधर हूँ। मुझसे क्यों मिलना चाहती हो? क्या काम है मुझसे? डांट क्यों रहे हो? मैं तुमसे बात करने आई हूँ। मैंने माना कि मैंने तुम्हें डांटने की गलती की, पर तुम क्या सही कर रहे थे? तुम मुझे लव करोगे तो क्या मुझे भी तुरंत आई लव यू कहना पड़ेगा? पता है दुनिया की सारी लड़कियां अपने लवर को कितना डांटती हैं? मेरी एक फ्रेंड ने अपने लवर को पुलिस के हवाले कर दिया था, लड़के की तो बैंड बज गई थी। अभी मेरी दोस्त ने उसी लड़के से शादी की है, दोनों में कितना प्यार है। मैंने तो तुम्हें सिर्फ डांटा था, कौन सा बड़ा गुनाह कर दिया? मैंने तुम्हें ये कहने के लिए बुलाया है कि मैं तुमसे दिल से प्यार करती हूँ, समझा करो ना। पर अब रो क्यों रही हो? क्या तुम मुझसे शादी करोगे? कब करनी है? अभी इसी वक्त, आओ मंगलसूत्र पहनाओ। तुम पहले एक पप्पी दो। अच्छा ठीक है, नहीं दूंगी, चला जा। तो मैं ले लूं? ए, तुम्हारी माँ कहाँ है? तुम्हारी माँ आ जाएगी, जाओ यहाँ से, जाओ जाओ। क्या हुआ? पीटर को पुलिस पकड़ कर ले गई। लेकिन क्यों? पता नहीं। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। मुझे बहुत डर लग रहा है। बंसी, बंसी, मेरी बात सुनो बंसी, रुको, गुस्सा मत हो। क्यों गुस्सा नहीं हूँ? इतना समझाने की बात नहीं, उसे कुत्ते की तरह मारा है,
वो अपने आप को समझता क्या है? कुछ भी कर सकता है क्या? बस थोड़े दिन की बात है, फिर देखना तुम कैसे उसे पैसे के बल पर झुकाता हूं। जब तक मैं था उसे किसी ने छुआ तक नहीं, लेकिन सुबह जब मैं घर वापस आया तब ये सब हुआ है। सब तेरी वजह से हुआ। तो मैंने कहा मना किया? सर लाफा मैंने मारा था, आप मुझे अंदर कीजिए। ए तुम चुप करो बंसी, अभी उसे ले जाओ, उसे बाद में निपट लेना, यहाँ सिर्फ पैसा बोलता है, मेरी बात को समझो। भाई चलो बंसी, चलो ना। मुझे बहुत डर लग रहा है। ए मेरी चुप हो जाना, बंद करो, मैं देखता हूँ। क्या करोती है तू? भाई पीटर, हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे। क्या भाई, ये कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है। लेकिन ये कोई छोटा भी नहीं है। चल कैलाश, अरे रोना बंद करो, तुम्हें कुछ हुआ भाई? नहीं ज्यादा नहीं हुआ ना। अरे मुझे कुछ अब नहीं, इनकी अकल ठिकाने आ जाएगी इंस्पेक्टर साहब। मैंने कहा था कि मत जाओ, तुम लोग उसके साथ नहीं थे क्या? उसे अकेला क्यों छोड़ा? अरे अब मदन लाल की तरफ क्या देख रहे हो? ये मैटर कैसे डील करना मुझे पता है। संभल कर, आराम से बैठ। ए संभल कर जाना, मैं बाइक से आ रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? अब क्या हुआ? ए पीटर, ये क्या कर रहा है पीटर? क्या कर रहा है? वो दीवार हमारी है। अगर हिम्मत है अरे भाई, क्या तो दीवार को हाथ लगा कर दिखाना, फिर बताता हूँ। मैंने तो उस पर लिख भी दिया है। जब देखो ये लफड़ा करते हैं, इनसे तो बातचीत करने का कोई मतलब ही नहीं। छोड़ेंगे नहीं साले को। लगता है वो लड़का बहुत आगे जाएगा, काफी दिलेर है। इतनी मार खाकर भी उसे कुछ नहीं हुआ तो उसे मार डालना ही सही होगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि वो पीटर का बच्चा उस दीवार पर कब्जा कर लेगा। है कौन वो दीवार पर कब्जा करने वाला? इन पर बंसी का हाथ है। मतलब ये बंसी का किया धरा है? चल बैठ जा। कहा ना बैठ जा। नहीं भाई मैं खड़ा ही ठीक हूँ। अरे बैठ तो सही, बैठो ना। पहले उस बंसी की मेरे सामने खड़े रहने की हिम्मत नहीं थी, और पीटर वहां का सब कुछ है। अब गैंग के लीडर को ही टपकाना पड़ेगा, फिर सब रास्ते पर आ जाएंगे। इन्हें सबक सिखाने का यही सही वक्त है। पीटर के साथ तुझे जो करना है कर, फिर वो इलाका तेरा है। सुन, तू उसके साथ ही रहना। जी पिताजी। अरे कौन है? कोई नहीं। क्या छिपा रहा है बता, बोलना। अरे वही लड़की है यार। कौन? अरे कजरी। अरे सुनती हो, इधर आओ जल्दी। क्या कह रही है वो? अरे वो मुझे लव करती है यार। अरे वाह, तूने बताया नहीं, कितने दिन हो गए? काफी दिन हो गए दोस्त। मैं तुम्हें बताने वाला था। तुम ऐसे हमेशा खुश क्यों नहीं रह सकते? क्यों दीवार के पीछे पड़े हो? अरे तुम फिर शुरू हो गई। देखो कैलाश कितना खुश है और तुम क्यों चिल्ला रहे हो मुझ पर? हमें जिंदगी भर अकेला छोड़ना चाहते हो क्या? तुम घर में क्या लाते हो, क्या कमाते हो? ये लोग कब तक संभालेंगे तुम्हें? इसे समझाओ कि ये उस दीवार से दूर रहे। क्या इसे अपने बच्चे की बिल्कुल भी परवाह नहीं है? पार्टी का मामला है तो उन्हें सुलझाने दो ना, वो दीवार के हमें खाना खिलाएगी। ए मैंने कब कहा कि दीवार हमें खाना खिलाएगी? तुमने आज तक कभी मेरी बात मानी है? ए दिमाग खराब हो गया क्या? इतना कुछ होने के बाद अकल नहीं आई तुझे? अब भी वक्त है, सुधर जा, वरना इतना मारूंगा ना दीवार के बारे में भूल जाएगा। अरे यार तू क्या बात कर रहा है, जिनकी मौत हुई उनका बदला कौन लेगा? मैंने सोच लिया है कि अगले हफ्ते दीवार पर कब्जा करके उनके सामने छाती तान कर चलूंगा। अगर इतना भी नहीं किया तो लानत है मुझ पर। सिर्फ तू मेरा साथ देना। तुम समझते क्यों नहीं? क्या हुआ? सीधे घर जाना। ओके डार्लिंग। कल सुबह दीवार पर कब्जा करते समय सब लोग रहने चाहिए, एक आदमी भी कम नहीं होना चाहिए। मैंने इंस्पेक्टर से बात कर ली है, वो एक पेपर देंगे, कोई जाकर वो ले आना। अच्छा ठीक है। सब सामान तैयार रखना। ठीक है ठीक है। कुछ भी हो जाए हम वहाँ से नहीं हिलेंगे। हम कौन है जरा उन्हें भी तो पता चले। कल का दिन हमारे लिए बहुत खास है। सही बोल रहे हो पीटर, चिंता मत करो हम सब तुम्हारे साथ हैं। ठीक है, कोई अपना इलाका छोड़कर बाहर मत जाना, कोई भी लफड़ा हो ध्यान मत देना। ठीक है, सब सावधान रहना। जाओ। ठीक है भाई, हम तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। मुझे कुछ नहीं होगा। देखो कैलाश आ गया, इसके साथ चला जाऊंगा घर। तुम लोग निकलो, जाओ जाओ घर जाओ। मैं भी चलता हूं। चल ठीक है, बाद में लेना, ख्याल रखना। ठीक है ठीक है, बाय पीटर। ठीक है, मैं इसे छोड़ देता हूं। क्यों रे, टेंशन में लग रहा है? अरे कुछ नहीं, दीवार का मैटर है, हो जाएगा ना, सब प्लान के मुताबिक चल रहा है ना। बस वो दीवार पर कब्जा हो जाए। तू एक बात बता, दीवार पर कब्जा करने से सब कुछ हो जाएगा क्या? अगर वो दीवार मिल जाएगी तो तू ये पूरा एरिया बदल पाएगा क्या पीटर? हमारे साथ जितने भी लोग हैं वो सब यही सोचते हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन जब वक्त आता है ना तो ये लोग आपस में ही लड़ने लगते हैं, जात पात के नाम पर एक दूसरे को काटते हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ तुझे, ये सब भूल जा और अपने परिवार का ध्यान रख जा। ए,
क्या मैं तुझे पागल लग रहा हूँ? यहाँ पर कोई लफड़ा होगा तो तुम आकर पूछोगे नहीं? हाँ, यहाँ खड़े होकर डायलॉग मार रहा है। तू तो पढ़ा लिखा है ना, बता आज तक तूने क्या किया यहाँ के लिए? जहाँ तुझे पैसा दिखेगा तू तो वहाँ जाकर सेटल हो जाएगा, पर ये जगह मेरी है और मैं यही रहूंगा, समझा? ए, तू मेरी बात नहीं समझ रहा है। इधर रहना इम्पोर्टेंट नहीं है, इधर क्या होता है ये इम्पोर्टेंट है। मैं तुझे समझाता हूँ, अब ध्यान से सुन। लोगों की भलाई करना ये कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इसमें राजनीति का क्या काम है? उस दीवार के लिए परेशान मत हो, समझ गया ना? ए, रात का जुगाड़ हो गया। बहुत बढ़िया, चलो करो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, देश को आगे बढ़ाओ। अबे तू आजकल बड़े डायलॉग मारने लगा है? ऐसा क्यों कह रहा है? हम सब संभाल लेंगे। सुना है तू फुल टाइम वॉचमैन का काम करता है, पूरे इलाके में सिर्फ तेरी बातों की चर्चा होती है। हाँ, तो ये तो अच्छी बात है ना पीटर। पता है आजकल मैं बहुत खुश रहता हूँ। कभी कभी ऐसा लगता है कि पहले मैं जानता ही नहीं था कि खुशी क्या होती है। अगर मेरी माँ मेरे लिए लड़की ढूंढती तो वो शायद इतनी अच्छी नहीं होती। कजरी बहुत अच्छी है यार, और ये सब तेरी वजह से हुआ है। तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है। अभी तो सिर्फ जिंदगी के मजे ले, शादी के बाद मार मत खाना उससे। ए, कजरी दूसरी लड़कियों जैसी नहीं है, वो बहुत अच्छी है यार। अच्छा अब ये बता, लोग शादी से पहले क्या क्या कर सकते हैं? तुझे तो पता ही होगा ना। ए, मुझे गलत मत समझ। देखो क्या बात कर रहा है ये। अरे मैं दूसरों की बात कर रहा था। अरे अच्छा, शादी के पहले दोनों शुरू हो गए, क्या किया तुमने? कंट्रोल नहीं हो पाया यार। वैसे तुम जो सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है, बस एक पप्पी लिया यार। क्या अरे, बात है पप्पी। अरे तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो यार। अरे ये सब कुछ नहीं किया यार, इतना मत सोच। तुझे बताना नहीं चाहिए था। क्यों? देख उसी का फोन आ गया, मैं चलता हूँ। अरे उससे बात तो कर। अरे मैंने उसे कहा था यार मैं घर जा रहा हूँ, अगर उसे पता चला मैं यहाँ हूँ तो वो तांडव करेगी। क्या बात है, शादी से पहले इतना डर? ऐसी बात नहीं है यार, मैं जा रहा हूँ। अरे रुकना, इतनी जल्दी क्या है? ए, इधर कोई भी नहीं है, तू भी चल मेरे साथ, चल। अरे सुन ना, मेरी अभी तक शादी हुई नहीं और उससे इतना डरता है? पता नहीं उरे यार, फिर वो बहुत किटकिट करती है। कैलाश गाड़ी निकाल, विजय के आदमी आ रहे हैं, जल्दी कर। गाड़ी छोड़, निकल निकल भाग भाग पीटर। जिंदा मत छोड़ना, उसे टपका दो अभी क्या भी। मुझे उसका कटा हुआ सर चाहिए, बिना सर दिए वापस बताना।
ये क्या किया तूने? चल 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 कैलाश चल। किया यार, तूने उसका सर फोड़ डाला। ये मैंने क्या कर दिया यार? अरे यार, नहीं पीटर, ये भी हो सकता है ना। तूने क्या किया? ये वो मरा नहीं होगा, ज्यादा मार खाने के डर से एक्टिंग कर रहा होगा। नहीं, वो मर गया। अगर वो मर जाएगा तो मैं जेल चला जाऊंगा। अभी तो मेरी जिंदगी सेट हो रही है यार, ये क्या हो गया? मर गया मेरा बेटा, मर गया। तुम लोग किसी काम के नहीं हो, सबके सब निकम्मे हो तुम। बोलो क्या बात है? तुम लोग किधर है? मदनलाल मर गया। क्या, मर गया? पता है कितना बड़ा बवाल हो गया? अरे ये क्या हुआ? अरे पीटर, कहाँ हो तुम लोग? हम इलाके में ही कहीं छुपे हुए हैं। तुम लोगों ने इतना बड़ा गेम कैसे कर दिया? तुम्हें पुलिस से बचकर रहना होगा। अरे यार, अब तो वो लोग हमें शांति से जीने नहीं देंगे। कोई ना कोई रास्ता तो निकलना होगा, मैं तुम दोनों को नहीं खो सकता। वो लोग सबके घर में छानबीन कर रहे हैं। अब हम क्या करें? तू जरा भी मत घबरा, मैं वकील से बात करता हूँ, तब तक तुम एरिया छोड़कर दूर चले जाओ। ठीक है भाई। भाई देखना, वो हमसे बचकर नहीं जा सकता। चलो, हे, चलो रे। चलो कैलाश। अगर पुलिस के हाथ लगे तो उन्हें जिंदा ही मार डालेंगे। इनको कोर्ट में सरेंडर करवा देते हैं। कल सुबह जैसे भी हो दोनों को हाई कोर्ट में, नहीं हाई कोर्ट में नहीं, सेशन कोर्ट में लेके आना। ठीक है, बाकी मैं संभाल लूंगा, चिंता मत करो, रखता हूँ। सरेंडर होने से पहले ही उन्हें ठोक दीजिए, यही आपके लिए अच्छा रहेगा। अपने लड़कों से कह दीजिए ना, कैसे भी ढूंढ निकाले उन्हें। ए, तुम उधर जाके देखो। ए, कहाँ हो तुम? कचरी। अरे क्या हुआ? देखो, रो क्यों रहे हो? अपने एरिया से बाहर हूँ मैं। मुझे बहुत डर लग रहा है पीटर। ए, अभी ऐसा क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ है। तुम डरना मत और बच्चे का ख्याल रखना, कोई मेरे बारे में पूछे तो बताना मत। तुम मेरी माँ के घर चले जाओ, बंसी भाई सब संभालेंगे। कुछ ऐसा वैसा मत करना, अगर तुम्हें कुछ हुआ ना तो मैं भी जान दे दूंगी। अरे सुन ना, फालतू की बात मत कर। वो दोनों अपने इलाके में ही है, ठीक से ढूंढो उन्हें। विजय, यहाँ कोई नहीं है। विजय, इधर भी कोई नहीं है। क्या बात है बंसी भाई, पीटर ने तो कमाल ही कर दिया है। अखा जिला में उसी का चर्चा हो रहा है। तुम जो आज तक नहीं कर पाए उसने एक झटके में कर दिया। तुझे तो शर्म आनी चाहिए बंसी, वो बहुत आगे निकल गया और तू वहीं का वहीं। तो भी वो मेरा साथ नहीं छोड़ेगा। सब इस दीवार की वजह से हुआ है। अरे अभी सबका वक्त नहीं है, चल अभी सब खत्म हो गया। ठीक है, लेकिन अभी इधर से चल, तुम्हें कोई देख लेगा। चल। फोन बज रहा है। बोलो भाई। सुनो, तुम्हारे सामने एक ब्लैक कलर की गाड़ी खड़ी है, उसमें बैठ जाओ। कल्लू को सारी बातें समझा दी है मैंने। आ जाओ, जल्दी से गाड़ी चला। सुपर काम किया है तुमने, अच्छा हुआ जो तुम उनके एरिया में आ गए, अब हम आराम से निकल सकते हैं। चलना। क्या चले क्या? कितनी गंदी बदबू आ रही है, कौन सी दारू पीता है तू? है ए, ऐसे घूरता क्या है? अपने लीडर से कह के टपका डालूंगा तुझे। क्यों उस्ताद? ओ, बकवास बंद कर अपनी, और तू गाड़ी चला। चल चल निकल।
वाह क्या मस्त गाना है, ऐसे लग रहा है जैसे आवाज आत्मा से निकल रही है, क्या फीलिंग है, मैंने तो आज तक ऐसा मस्त गाना कभी नहीं सुना। बढ़िया है ना उस्ताद, क्या हुआ गाना अच्छा नहीं लग रहा? अरे भैया देखो रास्ते में पुलिस है। छे साले इधर ही खड़े हैं, गाड़ी मत रोकना। उस्ताद तुम सोने का नाटक करो, ये चेकनाका ही सबसे खास है, अगर हम यहाँ से बच गए ना तो फिर हमें आगे कोई मुश्किल नहीं होगी। तू गाड़ी बिल्कुल धीमी मत करना, तेजी से आगे बढ़ा, चल निकाल जल्दी। ये हुई ना बात, कमाल था ना। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा, क्या ये मेरे स्ट्रोक का कारण बन जाएगा जो मुझे अपने परिवार पर बोझ बना देगा, क्या ये मेरे फेफड़ों के कैंसर का कारण बन जाएगा, क्या ये मुझे मुंह के कैंसर या हृदय रोग या एम्फिसीमा के करीब लाएगा। अगली बार जब आप सिगरेट या बीड़ी पीने की सोचें तो खुद से पूछें ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा। तंबाकू आज ही छोड़ें। सहायता के लिए 1800-112-356 पर कॉल करें या मिस कॉल दें 01122-901-701 पर। मैंने कब सोचा था मेरी जिंदगी यूं बदल जाएगी, सब कुछ इतना अच्छा था, एक अच्छा पति, दो प्यारे बच्चे, लेकिन तंबाकू ने सब कुछ बदल दिया। अब इस फैलते हुए कैंसर को मेरे चेहरे से काटना पड़ेगा। कुछ भी पहले जैसा नहीं होगा। यार पीटर, अब तो मैं आम जिंदगी नहीं जी पाऊंगा यार। जेल जाने के बाद तो खूनी कहलाऊंगा। हाँ, जेल में तो सब डरते हैं खूनी से। पता है मदनलाल ने क्या क्या किया है? उसकी वजह से जितने लोगों ने तकलीफें झेली है ना, तुम उन सब के लीडर हो। खूनी होना शाम की बात है। ए, क्या भैया कर रहे हैं? और तू चुप नहीं बैठ सकता? कब से सब बकवास कर रहा है, परेशान है ऊपर से तू। तो क्या हुआ, मुझे मारेगा? देखना खून निकल आया मेरे मुँह से। और दूं क्या? बोलो जानू, बोलो। सर आप कहाँ हैं? सर हम कोर्ट पहुंच गए सर। हाँ पार्टी को सेफली ले आए हूँ सर। हाँ सुन, ना तूने मारा ना मैंने, पुलिस को हम पर शक है इसलिए सरेंडर कर रहे हैं, समझा? अंदर अपने गुस्से पर काबू रखना। हाँ तो अभी से बड़े आदमी हो। अरे नहीं सर, आप भी ना। कसकर बात को पलट देते हैं। सर ये रहे। अच्छा यही दोनों हैं सर, पीटर और कैलाश। नमस्ते सर। अच्छा यही दोनों हैं। हाँ सर। पुलिस स्टेशन का एरिया क्या है? हमारे एरिया के ही पुलिस स्टेशन में सर। उधर सब इंस्पेक्टर प्राची है ना? और क्या सर, समझो तुम्हारा काम हो गया। हेलो मैडम, लॉयर देशमुख बोल रहा हूँ। बोलिए ना सर, बहुत दिनों बाद याद किया हमें। आप तो हमेशा बिजी रहती हैं। मैडम कुछ डिटेल्स चाहिए थे। कौन से डिटेल्स? वो मदनलाल मर्डर केस में जिनके नाम है उनके डिटेल्स देंगी क्या? किसी को सरेंडर करवाने वाले हैं? अरे क्या? नहीं मैडम, मेरे एक फ्रेंड के पास पार्टी आई है। मैडम आप कहेंगे तो पार्टी को उधर ही भेज देता हूँ, ऐसे ही बोल रहा हूँ। हाँ आप जरूर भेजेंगे, मजाक मत कीजिए सर। क्या करूँ मैडम, धंधे की बात है, डिटेल बताइए ना। चाय पानी भिजवा दीजिएगा, मैं बताती हूँ, लिख लीजिए। रमेश, सुरेश, महेश, शिवा, ये तो अपने भी लगा। इरफान, जॉन। अच्छा सर, पीटर नाम का आदमी आपके पास आए तो जरूर बताइएगा। मैडम मेरे पास पीटर नाम का कोई आदमी नहीं आया, अगर आता है तो आपको बता दूंगा। ठीक है, थैंक्स मैडम। तुम्हें से पीटर कौन है? मैं उसे। यही पीटर है सर। इसका तो सॉलिड डिमांड है, पुलिस के पास फंस जाते ना तो काम पेनेस। तुम्हारा नाम क्या है? जी कैलाश। कैलाश, देखता हूँ। पीटर, रमेश, सुरेश, FIR में तुम्हारा नाम नहीं है, फिर क्यों सरेंडर कर रहे हो? अगर ये बिना केस का सरेंडर होता है तो इसे गवाह बना देंगे, समझाओ इसे। हाँ, ठीक है, जरूरत नहीं। पर सर इसने कुछ, मैं जाकर कागजात रेडी करता हूं। बिल्कुल तेरा नाम नहीं है। ए क्या कह रहा है, मैंने उसे मारा, मैं अंदर जाऊंगा। और चिल्ला मत, इधर आ, इधर आ। सुन, वो सिर्फ मुझे मालूम है, सब तो ये समझते हैं कि ये खून मैंने किया है। अगर तू इसे नहीं मारता तो मैं मार देता। ए तू अंदर क्यों जाएगा, मैं अंदर जाऊंगा। ए ए कल्लू भाई चुप, तूने ये किसके लिए किया? मेरे लिए ना। मेरी बात सुन, मुझे कुछ नहीं होगा दोस्त, इस केस में बिल्कुल दम नहीं है, मुझे बेल जल्दी मिल जाएगी। सुन, एक बार तू अंदर गया ना तेरा नाम खराब हो जाएगा, तेरी जिंदगी खराब हो सकती है दोस्त। अभी अभी तो तेरी जिंदगी शुरू हुई है और तू इन सब क्या मजाक कर रहा है? तू अंदर गया तो मैं मेरे को क्या जवाब दूंगा? ए कल्लू भाई शांत हो जा,
अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? टाइम हो चुका है, दो लवर्स भी ऐसी बातें नहीं करते जैसे तुम लोग कर रहे हो। कैलाश अगले केस में तुम चले जाना, एक काम और है वो तुम्हें करना है, अभी आ जाओ। अरे छोड़, बोला ना मेरे लिए शान की बात है कि मैं दीवार के लिए अंदर जा रहा हूँ। ए पीटर, मैडम 15 दिन इन्हें रिमांड में रखने की डिमांड कर रही है, इन्हें ले जाइए। ए किधर? सर मैं एक फोन करना चाहता हूँ। ये लो। श्यामलाल हाजिर हो, केस नंबर 134। क्या हुआ दोस्त, उदास लग रहा है? अरे तू जितना डर रहा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ, टेंशन क्यों लेता है यार, मस्त रहे। उसे पीटर ने नहीं बल्कि मैंने मारा है, अंदर मुझे जाना चाहिए था। तेरा मार खाते ही मैं समझ गया था, पीटर जैसा दोस्त मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। कैलाश देवता है तेरा दोस्त। वो बहुत अच्छा है कल्लू, उसके सामने मेरी कोई औकात नहीं। 15 दिन से पहले भी पीटर की बेल हो सकती है ना? घबराओ मत दोस्त, बड़े घर का मामला है, विटनेस कोई नहीं है, चिंता मत करो सब सुलझ जाएगा। बंसी भाई का फोन है। हाँ भाई बोलो। हाँ हाँ बिरयानी ले जा रहे हैं। हाँ सब हो गया। हाँ कैलाश मेरे साथ ही है। हाँ बोलो। ठीक है। हाँ समझ गया। अरे घबराओ मत, तुम्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं है, मैं अंदर जाकर फोन करता हूँ, अंदर सब मिलता है। तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो कैलाश से कह देना, ठीक है? मुझे बहुत घबराहट हो रही है। अरे सुनना सुनना, अपने बेटे का ख्याल रखना, ठीक है? मैं अंदर जाने से पहले फोन करता हूँ। हाँ रखता हूँ, बाय। मेरी से बात कर रहा था? वो रोए जा रही है कैलाश, उसका ख्याल रखना यार। ए तू रो मत यार पीटर, मैं सब संभाल लूंगा, तू चिंता मत कर, तू मेरा बड़ा भाई है। अगर हम दीवार पर कब्जा कर लेते तो मजा आ जाता यार, ये सब कुछ दीवार की वजह से हुआ, सब समझेंगे कि दीवार ने बलि ले ली और उससे दूर रहेंगे। ए, अभी तक तू उस दीवार पर अटका हुआ है, मनहूस है वो। अगर हम उस दीवार पर कब्जा कर लेते और उनके सामने छाती ठोक कर कहते कि अब तुम हमारा कुछ नहीं उखाड़ सकते, तो जितनों की मौत हुई है उनकी आत्मा को शांति मिलती। सॉरी यार, अगर उस दिन मैंने उसे नहीं मारा होता तो ये मामला रफा दफा हो सकता था, मैंने सब बिगाड़ दिया। अगर तू उसे नहीं मारता तब भी ऐसा ही होता, अब इन सब बातों को भूल जा। तू चिंता मत कर पीटर, तेरे बाहर आने से पहले तू जो चाहता है वो हो जाएगा। ए! तुझे वो सब करने की कोई जरूरत नहीं है, तू बस शांत बैठ। कजरी के घर वालों से बात करके शादी कर लो और अपने आप पर काबू रखना, सुहाग रात के लिए कुछ बचा कर रखना। नहीं नहीं हमने डिसाइड किया है, वो सब हम शादी के बाद ही करेंगे, उससे पहले कुछ भी नहीं। ये सब क्या हो रहा है? ये कोर्ट है, कोई घर आओ इसे बचाओ, उठाओ इसे, जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ, लेकर जाओ इसे, जल्दी करो, बहुत खून बह रहा है। पीटर कहाँ है माँ? पीटर ठीक है बेटा, उसे कुछ भी नहीं हुआ। मेरा दोस्त ठीक है ना माँ? उस दीवार की तरफ से मत जाना, दूसरी तरफ से चलो। गाड़ी दीवार की तरफ घुमाओ।
मत कहो, पीटर मत कहो कहते थे ना, अब मैं तुम्हें रोनी के पापा कहती हूँ। अब तो उठ जाओ, मुझसे बात करो, मुझसे बात करो ना रोनी के पापा। तुम कहते थे ना अपने बेटे को फुटबॉल प्लेयर बनाओगे, तो हमें छोड़कर चले क्यों गए? तुम कहते थे ना कि उसे बहुत पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा। मैं उसे पढ़ाऊंगी रोनी के पापा, मैं उसे पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाऊंगी। मैंने कितनी बार मना किया था, देखा आज वही दीवार तुम्हें ले गई। आसमां में हाँ पंछी ये उड़ना था चाहता, कुछ करना था चाहता, लेकिन लगा जख्म और वो गया। अमर होने को पैदा हुए यार तुम इस जगह में, दोस्तों को अब छोड़ चले मिले तुम भी मिट्टी में। यादें तेरी जाए ना कभी यारों के मन से, कहानी तेरी मिटेगी नहीं कभी इस शहर से। हाँ कहानी तेरी मिटेगी नहीं कभी इस शहर से। अमर होने को पैदा हुए यार तुम इस जगह में, दोस्तों को अब छोड़ चले मिले तुम भी मिट्टी में। पूरा करके किस दुनिया में चले गए, आकर क्यों चले तुम गए ऐसे अकेले। खो के तुझे रोए हम, हक ये हमारा है, दोस्तों को अब छोड़ चले मिले तुम भी मिट्टी में। अमर होने को पैदा हुए यार तुम इस जगह में, दोस्तों को अब छोड़ चले मिले तुम भी मिट्टी में। दीवार पर से अधिकार हटाने के लिए मेरे इस बब्बर शेर ने अपनी जान की बाजी लगा दी, और कितने लोग अपनी जान की बाजी लगाएंगे। अब अगर किसी की जान जाएगी तो सबसे पहले मेरी जान जाएगी। अब हमारे इलाके का एक भी आदमी जान नहीं गवाएगा, तुम सबकी रक्षा करना मेरी जिम्मेदारी है। पहले यूं ही चले गए,
दूसरे इलाके में भाड़े पे एक अच्छा घर मिल रहा है, वहाँ पे कोई परेशान भी नहीं करेगा, तो क्यों ना कुछ दिनों के लिए हम वहाँ चले जाएं। हाँ बेटा, कुछ दिन के लिए हमें शांति मिलेगी, उधर कोई परेशानी नहीं होगी। हम क्यों जाएं? हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, मैं सब संभालूंगा। अंदर आ जाओ। बापरे, कितनी चोट लगी है। अगर तुझे कुछ हो जाता तो फिर क्या होता? मैं मर जाता। ऐसी बातें क्यों करता है? हम तुम्हारी वजह से ही जिंदा हैं। मना करने के बाद भी वहां जाती है। अच्छे घर की लड़कियां ऐसा करती है क्या? हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। कैलाश, हथियार क्यों निकाल रहे हो? वापस रखो। क्या हाल है कैलाश? तुम्हें चोट लगी थी ना, अब तुम ठीक हो? कुछ बोलोगे? पता है कैलाश, जब से पीटर गया मेरी आधी ताकत चली गई। मैं बहुत दुखी हूं। पूरा इलाका सुनसान हो गया, मैं रात को सो नहीं पाता। अर्जुन को टपकाना होगा, वो बचना नहीं चाहिए। सही कह रहे हो कैलाश, लेकिन ये कौन करेगा? मैं ये काम करूंगा, तुम मेरी मदद करोगे? और कितने लोग मरेंगे, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। उसने मेरी आंखों के सामने नहीं छोड़ूंगा, उसे तो मरना ही होगा। ए, तुम्हें क्या जरूरत है ये सब सोचने की? हाँ, तुम पढ़ाई लिखाई के बारे में सोचो, माँ बाप के बारे में सोचो, इतना गुस्सा नहीं होते, शांत हो जाओ। गुस्सा कैसे नहीं आएगा? पीटर ने मेरे लिए अपनी जान दी, कोई मेरा साथ दे ना दे, चाहे तुम भी साथ ना दो, अब वो नहीं बचेगा। रुक जा, पागल है क्या? नहीं, तू ऐसा कुछ भी नहीं करेगा, समझा? उन्होंने भी अपना बेटा खोया है, वो तुझे पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं। बात को समझा कर, जोश में होश मत गवा। मैं अर्जुन को टपकाऊंगा, और ये कब करना है मुझे पता है। उसे क्या लगा पीटर के आगे पीछे कोई नहीं है? फिक्र मत कर, अब तू घर जा। अगर किसी ने कुछ भी कहा तो शांत रहना, इसका ये मतलब नहीं है कि हम उससे डरते हैं, सही वक्त पर हम उसका बदला लेंगे, समझा? बंसी भैया, आता हूं। तुम चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगा। अरे अगर दम नहीं था तो फिर किया क्यों? आना चाहिए ना सामने, दम है तो सामने आके दिखाना है। क्या करे?
बंसी भाई, इस पुलिस वाले को समझाओ। अच्छा, बुजुर्ग आदमी पर हाथ उठाएगा? हिम्मत है तो मुझ पर उठा। क्या लगा हम लोग चुप रहेंगे? ए, ध्यान रख। वन पंच इज इनफ। मैं जाऊंगा कि तू पुलिस वाला है। बंसी, इसने एमएलए अर्जुन को मारने की कोशिश की है। हाँ, लेकिन मारा तो नहीं ना। कितना दिया तुझे बताओ? उसे ज्यादा दूंगा मैं। कैलाश, अपने पिताजी को लेकर अंदर जाओ। जॉनी, इसे अंदर लेके जाओ। ये ग्रैनी पहले तुझे टपकाना होगा। जब देखो चिल्ला चिल्ली करते रहती है, एक झटके में टपकेगी तो। पागल, चुप कर। दिक्कत हमें आप ही के साथ होती है। मैं कह रहा हूँ उसके ऊपर केस है और आप उसे जाने के लिए कह रहे हैं। मतलब बंसी भाई, तुझे कैश दे रहे ना, फिर काय का केस बना रहा है तू? हाँ, तूने जॉनी पे शहनशाह पे हाथ उठाया है। इंस्पेक्टर साहब, हाँ बोलिए। यहाँ आइए, कुछ ले देकर मामले को रफा दफा करते हैं। मेरे मना करने के बाद भी तूने ऐसा किया। जा अब पुलिस स्टेशन के चक्कर काट। अटेम्प्ट मर्डर का केस है इस पर। जाओ पुलिस के सामने गिड़गिड़ाओ। अब हम क्या करेंगे बंसी? मुझसे क्या पूछता है? अपने बेटे से पूछना। एक नंबर का गुंडा ये। उन्होंने अभी एक की जान ली है। वो लोग कहीं अब इसे ना मार दें। कहा था पंगा मत लेना। तो क्या अपने हाथ में चूड़िया पहन लूं? मार दूंगा उसे। तेरी अकल की तो ऐसी की तैसी। क्या किया है पर? आज तक तेरे बाप से किसी ने ऊंची आवाज में बात नहीं की। छोड़ो मुझे, सब तेरी वजह से हुआ। तू पैदा होते ही मर क्यों नहीं गया? मेरी कोख से ही जन्म लेना था। अरे जाने दीजिए, छोड़िए, इसकी अकल घास चरने गई है। पीटर तेरा दोस्त था, लेकिन मेरे लिए बेटे जैसा था। उसे मारने वाले को मैं छोड़ूंगा नहीं, ये मेरा वादा है। अभी अभी तो तेरा एक केस छुड़वाया मैंने। देखिए, अब आप ही समझाइए अपने बेटे को। पागल हो गया ये? नहीं नहीं, नहीं मैं समझा दूंगी। जवान लड़का है, बहक सकता है। अब आप ही समझाइए। एक बार जान गई तो वापस नहीं आएगी। ख्याल रखिए इसका। चलता हूँ मैं। ठीक है बंसी। कैलाश, जल्द ही तेरे दिल को ठंडक पहुंचाने वाली खबर मिलेगी। एक गेम खेलूंगा मैं, बस थोड़ा सा सब्र और कर। उसे सिर्फ मैं मारूंगा। बंद करो ये रोना। पीटर अपनी वाइफ को छोड़कर चला गया। कहीं ऐसा ना हो कि कैलाश भी। चलता हूं। वो तुझसे बहुत प्यार करता है बेटी, मेरी तो एक नहीं सुनता। अब तू ही उसे संभाल, उसे छोड़कर कहीं मत जाना। अगर आपका बेटा जिंदा वापस आया है तो वो सिर्फ मेरे लिए आया है। क्यों देख रही हो? तुम्हें क्या चाहिए? मुझे तुम चाहिए। ए, क्या देख रही हो? कोई हरकत मत करना, माँ आ जाएगी। आने दो। क्या कर रही हो? कैलाश, दवाई खत्म हो गई है, मैं लेकर आती हूँ। मैं चलती हूँ। मैंने कहा था ना, माँ आ जाएगी। अरे तुम हंसे, तुम हंसे कैलाश। अरे पागल, माँ ने सब देख लिया। माँ ने देख लिया तो क्या हो गया? हम तुम एक दूजे की जान।
जो जीना चाहे तो एक पल ही है काफी जीने के लिए मेरी जान, अब ना ऐसे रहना तुम। नदी जैसे है बहना, मुझे कितना प्यार करती हो? इतना सा। कुछ बताऊं? बताओ ना। शुरू शुरू में मैं तुमसे प्यार नहीं करता था। हाँ? वो तो मेरे दोस्तों ने अपनी लव स्टोरी शुरू कर दी थी। वो तो तुम्हारी बातें सुनने के बाद मैं समझ गया कि तुम मुझसे प्यार करती हो। मैंने ऐसा क्या कह दिया? याद है जब मुझे चोट लगी थी तो हैंडपंप के सामने मैंने तुम्हें सॉरी कहा था, तब तुमने मुझसे कहा था कि क्या वो सच नहीं है, तब मैं समझ गया तुम मुझसे प्यार करती हो। ए, इसमें हंसने की क्या बात है? अरे हंसी तो आएगी ही ना डफर। जब हम हैंडपंप पर मिले तब मैंने ये पूछा कि क्या तुम्हारे दोस्त झूठ कह रहे हैं। मेरे कहने का मतलब ये था बेवकूफ, और तुम मुझसे प्यार कर बैठे। अच्छा तो ये बात है। छे, तुम्हें गलत समझा ना, मुझे लगा कि तुम मुझसे प्यार करती हो। मुझे अब तक समझ में नहीं आ रहा मैं तुमसे क्यों प्यार करती हूँ। मैंने तुम्हें तंत्र मंत्र से पटा लिया है। सही कहा। तुम बहुत बड़े तांत्रिक हो। पता है तुम्हें डांटने के बाद ही मुझे तुमसे प्यार हो गया कैलाश। और तुम्हारी माँ ने भी आकर मेरे साथ बात की। मेरी माँ ने बात की? क्या बात की? एक बार एक ऑटो वाले से तुम्हारी माँ का झगड़ा हो गया था, तब मैंने जाकर उनकी मदद की थी। अच्छा। तो वो मेरे पास आई और मुझसे कहने लगी कि मेरा बेटा तुमसे बहुत प्यार करता है, तुमने उसे क्यों ठुकरा दिया। मेरा बेटा बहुत परेशान है बेटी, वो लाखों में एक है और उससे अच्छा लड़का तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा, तुम मेरे बेटे से शादी कर लो। और ऐसा कहकर उन्होंने मेरा दिल जीत लिया। ये सब बातें मेरी माँ ने तुमसे की? वो तुमसे बहुत प्यार करती है, और तुम्हारे चारों तरफ कितने अच्छे लोग हैं, तुम्हारी माँ, तुम्हारे पिताजी, मैरी, पीटर और बाकी सारे फ्रेंड्स। हाँ कजरी, मेरे चारों तरफ अच्छे लोग हैं। पीटर, उसका नाम लेते मेरा खून खौल उठता है। उसी से मैंने सीखा कि दोस्ती क्या होती है। वो मेरा बहुत ख्याल रखता था, अगर कोई मेरे खिलाफ कुछ बोले तो उसे बहुत गुस्सा आ जाता था, फिर भले सामने कोई भी हो वो जाकर उससे भिड़ जाता था। और उस दिन मरने से पहले वो हम दोनों की बात कर रहा था, कह रहा था तुम कजरी से शादी कर लो। छे, मैंने क्यों तुम्हें पीटर की याद दिला दी, चलो भूल जाओ, हम कुछ और बात करते हैं। नहीं कजरी, तुम उसे नहीं जानती, वो कभी अपने बारे में नहीं सोचता था। वो हमेशा मुझसे कहता कि हमें अपने इलाके के लोगों के लिए कुछ करना चाहिए, इन बच्चों के लिए कुछ करना चाहिए। वो जो भी पैसा कमाता था ना, वो अगर कोई मांगे तो उसे दे देता था, अपने लिए कुछ नहीं सोचता था। कसम से कहता हूँ कचरी, जिसने पीटर को मारा है ना, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा मैं।
तो तुम ऐसा सोच रहे हो? कचरी? उसको मारने के बाद मेरा क्या होगा, ये तुमने जरा भी सोचा है? अगर मेरा तुम्हें थोड़ा सा भी ख्याल होता तो तुम्हारे मुंह से ऐसे लफ्ज कभी नहीं निकलते। कर रही हो? मेरी जगह पर रहकर सोचो। तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो? मैं तुम्हें ही अपनी जिंदगी समझती हूँ और तुम्हें तो मेरा बिल्कुल भी ख्याल नहीं। मैं तुम्हारे बारे में ना सोचूं ऐसा हो सकता है क्या? मैं कसम से कहता हूँ, अगर आज तक मैंने कोई गलत फैसला नहीं किया है तो उसकी वजह सिर्फ तुम हो कचरी। कितना प्यार करते हो मुझसे जानना चाहती हूँ, बता दूं? तुम मेरी दुनिया हो कचरी। मैं तुमसे कुछ पूछूंगी और उसका सच सच जवाब देना। ठीक है, पूछो। तुम मुझसे ज्यादा प्यार करते हो क्या तुम्हारे दोस्त पीटर से? तुम पागल हो गई हो? हाँ, मैं पागल हूँ। मैंने तुम्हें अपनी जिंदगी समझ लिया ना, इसलिए मैं पागल हूँ। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो ऐसा सोचते? तुम किससे प्यार करते हो बताओ मुझे। पीटर मर चुका है, हम उसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं? मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, अब खुश? मुझे खुश करने के लिए प्लीज मुझसे झूठ मत बोलो। तुम चाहते हो मैं अपनी जान दे दूं? कजरी, तब तो कहोगे ना सिर्फ मुझसे प्यार करते हो। कजरी, ऐसी बातें क्यों कर रही हो? मुझे जवाब दो। ठीक है तो सुनो, पीटर से जा रही हो तो जाओ, जहां जाना है जाओ, वापस मत आना। ए, घर क्यों आई? जा उसी के पास चली जा, जा, मैं कहती हूँ जा, जा यहाँ से, जा, चली जा यहाँ से। घर क्यों आई है? सारा दिन उसी के साथ घूमती है, हमारी इज्जत की कोई फिक्र नहीं तुझे, तो यहाँ क्या करने आई है वापस? क्या किया तूने? वो लड़की इतनी उम्मीदों के साथ यहाँ आई थी और तूने उसे ही भगा दिया। अब वो कभी नहीं आएगी, अकेले ही रहना जिंदगी भर, पता नहीं क्या होगा इसका। कजरी, कजरी, सॉरी कजरी, उस दिन मैं गुस्से में था। कजरी, कजरी रुको, मेरी बात तो सुनो। दूरी तुमसे कैसे दिल मेरा सहे, सोए चांद कैसे कर ये आसमां तपे, दूरी तुमसे कैसे दिल मेरा सहे। जग में किसी का कोई रिश्ता नहीं है, प्यार जो ना हो तो कोई कैसे फिर रहे। सागर देखो बस मुझ में तुम समाओ, आंखों में मेरी छुपे सागर देखो बस मुझ में तुम समाओ। भैया चलो ना, लेट हो रहा है। तुम मेरा पीछा करना नहीं छोड़ोगे ना? तुम्हें और कोई काम नहीं है क्या? कोई कैसे जिए हाए, ऐसे जीने को तो ना कहो। तुम हो जिसने जीवन त्यागने को कहा है, पर मैं तुम्हें छोड़ूं कैसे? जहां देखूं चेहरा नजर आए तेरा, मेरी यादों में हो तुम। आंखों में मेरी छुपे सागर देखो बस मुझ में तुम समाओ। बिल्कुल चिंता मत करिए, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है।
प्यार के तो सभी एहसास होते हैं, फिर भी उसने छोड़ा क्यों मुझे। अलग अलग घोंसले होते हैं परिंदों के, लेकिन तेरा घोंसला मैं हूँ। आसमां जो देखूं उसमें तुम ही तो हो, मेरा आसमां हो तुम। हॉर्न क्यों बजा रहे हो और कल मुझे मिलने क्यों नहीं आए? मुझे मिलने से ज्यादा और भी खास काम है ना, आइंदा अगर मेरे पीछे आए तो देखना। आंखों में मेरी छुपे सागर देखो, बस मुझ में तुम समाओ। आंखों में मेरी छुपे सागर देखो, बस मुझ में तुम समाओ। कजरी कजरी, एक मिनट। क्या है? मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ कजरी। सुन लिया मैंने। रुको, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। तुम्हें क्या चाहिए? तुम, मुझे तुम चाहिए। शादी करोगे मुझसे? इधर आ, बाइक पर बैठ, तभी शादी करूंगा। सोए चांद कैसे कर ये आसमां तपे, दूरी तुमसे कैसे दिल में राज है। जग में किसी का कोई रिश्ता नहीं है, प्यार जो ना हो तो कोई कैसे फिर रहे। आंखों में मेरी छुपे सागर देखो, बस मुझ में तुम समाओ। आंखों में मेरी छुपे सागर देखो, बस मुझ में तुम समाओ। दामाद जी, आपको लड़की पसंद तो है ना? बहुत पसंद है। क्यों बेटी, लड़का तुम्हें पसंद है? पसंद तो है। चलो, आप किस बात की देरी है, वरमाला पहनाइए। रुक जाओ, पहले ये बताओ कि लड़की को क्या दे रहे हो, दामाद को क्या दे रहे हो, हम सब ये जानना चाहते हैं। चाचा, ये आप क्या बोल रहे हो? तुम चुप बैठो, शादी होने से पहले लड़की वालों को ये बताना पड़ेगा। जी समझाइए। अरे आपको जो चाहिए वो मांगिए ना, वो ना कहाँ कहने वाले हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो। अगर एरोप्लेन मांगेंगे तो दे सकेंगे। क्यों दामाद महाराज, आपका मुँह क्यों बंद है, आप भी मांग लीजिए। तो ठीक है, एक कार और 50 तोला सोना चाहिए। क्यों, इतनी सारी चीजें ले जाने के लिए ट्रक नहीं चाहिए? तुम मेरा मजाक उड़ाती हो, अगर नहीं दे सकती तो बोलो, ये खिल्ली उड़ाना छोड़ो। एक बार आपका बेटा कलेक्टर बन जाए फिर जो चाहे ले लेना। हाँ हाँ, ये कलेक्टर बन जाएगा तो 50 की जगह 100 तोला दोगे क्या? हाँ हाँ, तुम किसी राजा की औलाद हो। सब चुप बैठो, आप बड़े लोगों की आपसी बातचीत के चक्कर में इनकी शादी रुक जाएगी। बैठ जाओ सब। देखिए हमारी बात सुनिए, हमारी बहू हमारे लिए सोने से बढ़कर है, हमें कुछ नहीं चाहिए, आपको जो देना है दे सकते हैं, हमें किसी चीज का लालच नहीं है। बस बात इधर ही खत्म हो गई। मेरी पत्नी ने खुद कह दिया कि हमारी बहू सोने से बढ़कर है, जब वो घर में आएगी तो खुशियाँ ही खुशियाँ लाएगी, क्यों है ना बेटा? हाँ पिताजी, आपने तो कह दिया कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हमारी बेटी को हम खाली हाथ थोड़ी ना भेजेंगे, उसको इतना देंगे कि आप हैरान हो जाएंगे। अब जल्दी से अंगूठी पहना दो, बहुत भूख लगी है। राष्ट्रीय विकास पार्टी जो दो भागों में बट गई थी, आने वाले इलेक्शंस में अब एक होकर लड़ेगी। और सूत्रों नेता एक हो गए तो क्या हम भी एक हो जाएंगे? हमारी दुश्मनी आज की नहीं है, भ्रष्ट नेता की परछाई भी नहीं पड़ने देंगे। इतना अच्छा काम करेंगे कि पूरे इलेक्शन में जीत सिर्फ हमारी होगी, क्यों सही कहा ना? हाँ भाई सही कहा। कल स्टेज बनाकर हमारी पार्टी की मीटिंग बुलाओ। भाई हमारे इस एरिया के लिए अपनी जान और संपत्ति त्यागने वाले हमारे आदरणीय बंसी भाई को आप सभी के सामने सम्मानित करने जा रहा हूँ। हमारे इलाके में बंसी भाई की वजह से ही सारे शौचालय बने हुए हैं। मेरा आप सभी से निवेदन है कि स्वच्छ मोहल्ला अभियान को और आगे बढ़ाएं। और हम सभी भाइयों, इस वक्त हमारे बीच आदरणीय पूर्वी एमएलए अर्जुन आए हुए हैं और अब वो आदरणीय बंसी भाई को शॉल पहनाकर सम्मानित करेंगे। बस बहुत हुआ बंसी, अब ये झगड़ा बंद होना चाहिए। हमारी पार्टियां अलग होकर कुछ नहीं कर पाई, हमें एक होना ही चाहिए, हमारे आदमी एक होने चाहिए, हमें मिलकर जनता की सेवा करनी होगी।
अब मैं चलता हूँ। जाने, फेर दिया पानी। कैसे लोग हैं, सब कुछ भूलकर एक हो गए, और तो और दोनों पार्टी का गठबंधन बना लिया। ये कैसा न्याय है? मैं नहीं गया था, वो खुद आया था। अधिकारियों ने फैसला लिया है, हम उनके खिलाफ कैसे जा सकते हैं? पार्टी एक हो गई तो मैं उनके पास जाकर भेंट नहीं मांगने वाला। वो दुश्मन है, दुश्मन ही रहेंगे। हमें साथ मिलकर ही काम करना होगा। ये मार काट और कितने दिन चलेगी? सब भूल गए क्या? गंगा भैया इसी दीवार के सामने मारे गए। अगर गठबंधन किया तो एक एक को काट डालूंगा, छोड़ूंगा नहीं। अगर किसी को कुछ बोलने का है तो आओ सामने। बंसी भाई को सीट मिल जाए, उनको वोट देकर हमें उन्हें जिताना है। सिर्फ बंसी भाई को ही वोट देना। अरे खाओ मेरे दोस्त, ट्यूशन मारे हो, देखना कैलाश हम तहलका मचा देंगे। अरे खाओ, इन्हें भी दो ना, ये लो। चलो चल, बंसी भाई को वोट देना, याद रखना। बाय। नमस्ते बंसी भाई, आइए आइए। अर्जुन भैया ऊपर आपका इंतजार कर रहे हैं। नहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। यहाँ भैया और विजय ही हैं, और कोई नहीं है। नमस्कार। बैठो बंसी। ये पैसे रख लो, ये पैसे अपनी पार्टी के हैं, इलेक्शन के लिए, मेरी तरफ से। नहीं भैया, मेरे हिसाब से जितना बनता है बस उतना ही दीजिए, मैं थोड़ी ना इसे घर ले जाऊंगा। तुम्हारे पति तुम भी ना बातें कर जाओ। एसी में बैठते हैं। सर आप अंदर नहीं जा सकते, अंदर रिजर्व है, आप यहाँ बैठिए। बैठो। मेरा हाल देख रहे हो, सारी अकड़ निकल गई। वो तो दिख रहा है, आप पहले जैसे नहीं रहे। लो एक घूंट तुम भी ले लो, लो ना। अगर ज्यादा कुछ बोली ना सबके सामने पप्पी ले लूंगा। ये होटल है, घर नहीं। ए, मेरा मजाक उड़ा रही हो? देखो मुझे गुस्सा आ जाएगा। आने दो। तुम ज्यादा नाटक मत करो गजरी। तुम एक नंबर की शैतान हो। ये अब तुम्हारे हैं। नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए। जानते हो तुम मेरे लिए कौन हो? तुम मेरे बेटे जैसे हो। ये पैसे मैं तुम्हें नहीं दे रहा, बल्कि ये सारे पैसे जनता की सेवा करने के लिए तुम्हें दे रहा हूं। ये कुर्सी, ये जिम्मेदारी अब मुझे नहीं चाहिए। इसके असली हकदार तुम हो बंसी, अब सब कुछ तुम्हारी मर्जी से होगा। सुपर, आप सुपर है भैया, सुपर डुपर है। मैं आपके लिए कुछ भी करूंगा, अब जो चाहिए बोलिए, बोलिए भैया, मैं आपको दूंगा ना नहीं करूंगा। मैं तो बस ये चाहता हूं कि उस दीवार पर मेरे पिताजी की तस्वीर बनाई जाए, और अगर तुम चाहो तो तुम्हारे लिए यह काम कोई मुश्किल नहीं होगा। वादा करता हूं कि इस बार इस एरिया से एमएलए तुम ही बनोगे। तुम बहुत ऊपर जाओगे, हाँ देख लेना। एक सेकंड। क्या हुआ? हाँ? हुआ क्या? अरे ले बेटा खाना। कर लो भैया। अरे कैलाश, मैं अपनी फैमिली के साथ आया हूँ, मैं कुछ नहीं जानता। क्या हुआ? मैंने कुछ नहीं किया, बंसी ने जैसा बोला था मैंने वैसे ही कर दिया, सिर्फ मैंने उनका साथ दिया है, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। हाँ।
ऐसे कुछ लोग बहस कर रहे हैं। ए रुक, क्या बोला तुम? मुझे छोड़ दो, मुझे क्या बोला? मुझे क्यों मार रहे हो? सच बता, मुझे क्यों मार रहे हो? इसमें मेरी क्या गलती है? पीटर को मारने की प्लानिंग करने वाला बंसी है, उससे जाकर पूछो। ले लो बोला ना, आपको क्यों नहीं दूंगा? सीट दिलाने वाला कौन है? आप हो, दीवार आपकी है। जब तक मैं हूँ आपसे कोई पंगा नहीं लेगा, चिंता मत करो, ले लो दीवार आपकी। ले लो। यहाँ मेरे इकलौते बेटे की लाश पड़ी है, उसके सिवा मेरा कौन था? अभी तुम पीटर को मत टपकाओ, बल्कि उसका इस्तेमाल करो। हाँ भाई, कैलाश मेरे साथ है। खड़े हो जाओ बेटा, खड़े हो। आप ये क्या कर रहे हैं? तुम्हें कोई नहीं हरा सकता, इस पूरे इलाके की जनता की तरफ से मैं कह रही हूँ, तुम्हें कोई नहीं हरा सकता, तुम ही जीतोगे। हमारे लाडले बंसी हो। बंसी भाई, तुम एमएलए बन गए। एमएलए तो बनना ही था। आप सबकी शुभकामनाएं जो हैं, अब धीरे धीरे सब अच्छा हो जाएगा। अर्जुन के साथ हमारी लड़ाई आज से खत्म। हमने वादा किया है कि अब दीवार के लिए लड़ाई कभी नहीं होगी। अब लड़ाई कैसे होगी? नहीं होगी। बलवंत सिंह, अब प्रचार का काम तुम लोग ही संभालो। प्रचार इंग्लिश में ही होना चाहिए। ऐसा प्रचार करूंगा कि याद रखेगा। देखना भाई, आप तो छा जाओगे, इतने लोगों का साथ देखकर एमएलए तो क्या, आप सीएम बन जाओगे। अरे बिल्कुल सही कहा। और क्या चाहिए भाई? कैलाश कहाँ जा रहे हो? सुनो सुनो, लेकिन अगर आज पीटर होता तो कुछ और ही होता। मुझे कल्लू भाई ने सब बताया। तो क्या हुआ, उसने क्या बोला? देख कैलाश, कल्लू पर विश्वास मत कर। पता है ना, पीटर मेरे बेटे जैसा था। कैलाश तुम ये क्या कर रहे हो? कैलाश छोड़ो उसे, रुको। क्या कर रहे हो? अरे सब लोग छोड़ दो, क्या करो कैलाश? छोड़ो मुझे, रुक जाओ। तुझे अपना समझ के विश्वास किया था, अपना बड़ा भाई समझा था। अरे हम भी तुझे अपना बड़ा भाई समझते हैं, फिर भी तूने उसको धोखा दिया। तूने पीटर को सरेंडर करने को कहा और उसकी जान ले ली, ये सब तेरी वजह से हुआ है। कहीं पीटर तुझसे आगे ना चला जाए, उसी डर से तूने उसे मरवाया ना। हमारे सामने अच्छा आदमी बनने का डोल कटता तेरी। तुमने अपने भाई पर ही हाथ उठाया ना, मैं क्या अपने लोगों को धोखा दूंगा? तुम्हारी बात पर यहाँ कोई विश्वास नहीं करेगा। ये मेरे साथ है, ये मेरी जनता, समझे? आप पागल हैं। उस दिन से लेकर आज तक यहाँ की जनता तुम्हारे बाप और तुम पर यकीन करती रही। कैलाश कहता भी था पर तुम लोग नहीं माने, कितनों की बलि चढ़ गई इस चक्कर में। हिम्मत है तो कैलाश को मार के दिखा।
सब, जो मर्जी में आए बोलेगा। क्या लगता है, चलो शांत बैठने वाले अभी बताते हैं हम क्या कर सकते हैं। चल भाग यहाँ से, भाग यहाँ से, क्या बोला ना? मेरे फेंके हुए पैसे से खाने वाले गली के कुत्ते तेरी बेइज्जती हो गया। ये इसका असली रूप, इसे गली का कुत्ता कहता है। तू ही वोटों की भीख मांगने आया था हमारे पास, उस बेचारी का चेहरा देख। अगर तू उसका ये हाल कर सकता है तो हमारा क्या हाल करेगा तू? ये ले तेरे पैसे। अभी तो तुम सब ये कह रहे हो, लेकिन कल अगर किसी चीज की जरूरत पड़ी तो तुम इसी के पास जाओगे। हमें उसे ये साबित करना होगा कि अगर हम सब मिलकर एक हो जाएं, तो ये हमारे बिना कुछ नहीं कर सकता। जिस राजनीति की कुर्सी के लिए ये हम सबको धोखा दे रहा है और जिसकी वजह से इसने पीटर को मारा, वो इसे कभी नहीं मिलनी चाहिए। दीवार दीवार करके इसने हम सबको धोखा दिया है ना, हम इस दीवार का ये हश्र करेंगे कि तुझे पता चल जाएगा कि यहाँ किसका राज चलता है। उस दीवार को हाथ मत लगाना, नहीं तो वो तेरी बलि ले लेगी। बंसी, देख इस दीवार का क्या हाल करता हूं। कैलाश रुक जाओ। उस दीवार से दूर ही रहना। रोक के दिखा। अपना मुंह पोछ लीजिए। क्या बोला? चल हट, बड़ा यार टॉवल देने वाला। चल भाग। अरे मैं उसी दिन उसे टपका देता, पर तेरी वजह से रुक गया, तेरी वजह से। अरे चुप, फालतू में रोता है, बच्चा है क्या तू? भाई ऐसा मत कीजिए, इलेक्शन टाइम है। क्या इलेक्शन टाइम है? नसीहत देता है मुझे, हैं? मैं तेरे साथ हूँ बंसी। मेरा पोता जिगर वाला है, उसे कुछ नहीं होगा। भाई मैं उसे टपकाऊंगा। क्या कहा? तू टपकाएगा? मुंह बंद रख अपना। ठीक है भाई, तुम्हारा काम हो जाएगा, ये अपन का जबान है। ठीक है,
एरिया के अंदर एक भी पुलिस वाला नहीं रहेगा। आप बिंदास होकर काम करो, मैं हूँ ना। तुम डर रही हो क्या? मुझे क्यों डर लगेगा, तुम्हारी इसमें क्या गलती है? चप्पा चप्पा छान मारा लेकिन वो नहीं मिला। भाई हमने बुरा इलाका छान मारा, वो हमें नहीं मिला। कैलाश डी ब्लॉक की छत पर है। अरे चीटर पार्टी लीडर, तेरा वक्त खत्म हुआ। ए वॉचमैन, यहाँ क्या कर रहे हो? चलो जाओ अपनी ड्यूटी करो, जाओ 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 जाओ, चलो जाओ। अरे बोला ना जाओ। ये घोर क्या रहा है हा? ये खिलाफा तुम्हारा ठीक हो जाएगा। ए जाना। ए जॉनी, तेरा दिमाग खराब है क्या? ए कैलाश, ए काट दो, काट दो। मेरा तो मन करता है कि जल्दी तुमसे शादी कर और फिर हनीमून पर ले जाओ। अभी चुपचाप चलो। कैलाश जल्दी चलो। कजरी तुम भागो। रहने दो उसे। हेलो कैलाश, अपने जॉनी को मार डाला। कैसे हुआ? पता नहीं, उसकी लाश बीच सड़क पर पड़ी है। क्या हुआ? उन्होंने जॉनी को इसे क्यों अकेला छोड़ा? अरे तो जिंदा जिंदा, बंदूक लेके चलो। अरे बस छोड़ दा, डोंट लीव देम, छोड़ो। निकल जाओ, बाकी मैं देख लूंगा। तुम उसके साथ ही रहना। ए, रुको। आ, क्या हुआ? कैलाश को कहीं देखा क्या? नहीं देखा भैया। बेवकूफ समझता है क्या मुझे? नहीं देखा ना भैया, डाल दूंगा ना अंदर तो। ए, चलेगा, समझता क्या अपना? छोड़ना। ए, चल निकलो यहां से। ए, चलो दोस्तों। अबे भाईगिरी किसको दिखा रहे? हिम्मत होता हैंडपंप के पास आके मेल। ए, चलो। ए, तुम लोग वहां जाओ, वो इधर ही है, हम लोग उसको पकड़ लेंगे। ए, सुनो तुम उधर से जाओ। बचाओ, बचाओ मुझे।
अबे अरे इसको भी मार दिया। ये क्या? ढूंढो उनको। ढूंढो से ढूंढो। ये सुन, इसको हमने मारा है, दमे तो आके पकड़। उनको पकड़ लो। आजा आजा आजा। अबे आ। ए, ए, सब इधर आओ। ए, रुक जा रुक जा। बाल बाल बच गया तू, मेरे साथ चल। हेलो हेलो, मिल के पास आ जाओ। बहुत बढ़िया दोस्त। बंसी भाई, उसको हमने पकड़ लिया, मैं आपको वहां ले चलता हूं, ठोक देना उसे। जिंदा मत छोड़ना कैलाश, मार डाल इसे। Yeah.
इतनी समस्याओं के बाद अब यह दीवार एक साधारण दीवार बनकर ही रह गई। जैसा विजय चाहता था, बंसी के बाद विजय ही हाउसिंग बोर्ड का चेयरमैन बना। ये पैसे ले लो विजय, मैं मरने से पहले दीवार पर अपने पिताजी की तस्वीर देखना चाहता हूँ। ये काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो और तुम्हें करना ही होगा। मैंने कह दिया ना, काम हो जाएगा, आप बेफिक्र रहो। विकास के लिए दीवार नहीं बल्कि सरकार की अनुमति और सहायता चाहिए। कैलाश और कजरी ने इलाके के बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। इंसान को एक दूसरे की इज्जत करने के लिए और समाज की समस्या दूर करने के लिए सिर्फ पढ़ाई काफी नहीं होती, इसके लिए आपको चाहिए सरकारी मदद और आपका आत्मविश्वास भी। समझ गए बच्चों?